तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो के अंदर। एंड लास्ट एपिसोड में कुछ ज्यादा ही बड़ा सस्पेंस बन चुका है, क्योंकि जिस मिलिट्री कर्नल के हम लोग फ्यूनरल में गए थे वो अभी भी जिंदा है और इस टाइम पर ये एक डैम के टॉर्चर रूम में है। बाकी जो बंदा मैं यहाँ पर लेकर आया था वो भी और कोई नहीं बल्कि लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन है। मतलब एक ही एपिसोड के अंदर इतने ट्विस्ट हो जाएंगे, ये मैंने भी नहीं सोचा था। स्टोरी इतना ज्यादा बड़ा टर्न ले चुकी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है भाई। लेकिन अब मुझे एक एक करके सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आप सभी को याद होगा ये जो गैंग का लीडर था यानी कि लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन, इसने मुझे बताया था कि इसको बिग माफिया के भाई से बदला लेना है, वो भी अपने भाई का। और अब मुझे याद आया कि इसका भाई एग्जैक्टली है कौन। इसका भाई लॉस सैंटोस का ओल्ड पुलिस कैप्टन था जिसे हम लोगों ने मारा था। लेकिन जब इसने कहा कि इसके भाई को बिग माफिया के भाई ने मिशन दिया था मेरे पीछे लगने का, तब मुझे समझ में आया कि ये एग्जैक्टली मेरे बारे में बात कर रहा है। साथ ही में मुझे ये भी पता चला कि जो ओल्ड पुलिस कैप्टन था वो मेरे साथ में दोस्ती करना चाहता था, लेकिन क्योंकि बिग माफिया के भाई ने ऑर्डर्स दिए हुए थे मुझे मारने के लिए, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और आखिर में उसकी भी मौत हो गई। लेकिन ये जो नया वाला पुलिस कैप्टन है, इसे समझ में आ गया है कि रूट प्रॉब्लम क्या है, और रूट प्रॉब्लम है बिग माफिया का भाई। अगर बिग माफिया के भाई ने ओल्ड पुलिस कैप्टन को मेरे पीछे लगने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो इसका भाई ना मारा जाता। लेकिन अब इस नए पुलिस कैप्टन के साथ में भी सेम चीज हो रही है, और बिग माफिया के भाई ने कहा था मिलिट्री कर्नल को मारने के लिए ताकि माइकल कमजोर पड़ जाए। मतलब मुझे भी नहीं लगा था कि बिग माफिया का भाई इतना प्लान कर लेगा, और मुझे कमजोर करने का एक लौता रास्ता उसने यही ढूंढा कि अगर वो लॉस सैंटोस के मिलिट्री कर्नल को मार देगा तो मेरे पीछे से मिलिट्री का सपोर्ट हट जाएगा और मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। लेकिन जो लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन है, इसे बिग माफिया के भाई के ऊपर डाउट है, क्योंकि मिलिट्री कर्नल एक लौता बंदा है जो कि पुलिस कैप्टन को प्रमोट करके पुलिस कमिश्नर बना सकता है। और अगर ये मिलिट्री कर्नल मर गया और जो नया मिलिट्री कर्नल लॉस सैंटोस के अंदर आने वाला है, अगर वो बिग माफिया के भाई का बंदा बन गया ना, तो पुलिस कैप्टन कभी भी कमिश्नर नहीं बन पाएगा और इसे हमेशा बिग माफिया के भाई के नीचे काम करना पड़ेगा। इसी वजह से जब इसे बिग माफिया के भाई ने ऑर्डर दिया मिलिट्री कर्नल को मारने के लिए, तो इसने मिलिट्री कर्नल को मारने की जगह उसे किडनैप कर दिया और बिग माफिया के भाई को बताया कि मिलिट्री कर्नल मर चुका है। और अब मुझे समझ में आया कि लॉस सैंटोस में किसी को भी इसके बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि आफ्टरऑल ये काम एक काफी बड़ा सीक्रेट मिशन था और एक्चुअल में पुलिस कैप्टन ने मिलिट्री कर्नल को नहीं मारा था। लेकिन मुझे इस पुलिस कैप्टन ने भी ये बताया कि जो बिग माफिया का भाई है उसने ऑलरेडी मिलिट्री कर्नल के रिप्लेस में एक दूसरा मिलिट्री कर्नल लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में अपॉइंट कर दिया है। और दिक्कत की बात यह है कि अगर हमें मिनी मद्रासो के घर पे अटैक वगैरह कर बिग माफिया के भाई को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें एक ही काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि इस मिलिट्री कर्नल को इसकी ओरिजिनल जगह यानी कि मिलिट्री बेस में पहुंचाना होगा, और उसके लिए वो जो नकली मिलिट्री कर्नल है पहले उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। यार काफी कुछ है जो कि इस वाले एपिसोड के अंदर हमें करना है, बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो, क्योंकि आज वाले इस एपिसोड का लाइक टारगेट है 12,000 लाइक्स का। और आप लोगों को तो पता ही है कि जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, तो फटाफट से जाकर सब लोग लाइक के बटन को तोड़ दो। 12,000 का लाइक का टारगेट है उसे जाकर कंप्लीट करवा दो। एंड अगर आप लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो याद से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन कॉल पे कर देना, क्योंकि मैं ऐसे खतरनाक GTA 5 के गेम प्ले वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं कराया जल्दी से जाकर लाइक कर दो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया याद से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी ये देखो मिलिट्री कर्नल तो फिलहाल अभी बेहोशी की हालत में है, क्योंकि अगर ये इसको होश में लेकर आता तो शायद मिलिट्री कर्नल ना आता, लेकिन पुलिस कैप्टन ने इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो अलग से टॉर्चर हुआ है वो टेंशन मतलब मिलिट्री कर्नल के साथ में नहीं हुआ है, यहाँ पर जितना भी ब्लड वगैरह है वो किसी और बंदे का है। बाकी ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे ना इस नए वाले पुलिस कैप्टन से बात करता हूँ और इससे पूछकर देखता हूँ कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ चुकी है, फिलहाल के लिए हम लोग पुलिस कैप्टन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने भाई की डेस्टिनी नहीं जीना चाहता। अगर ये सेम चीज करेगा तो ये भी आगे जाकर मारा जाएगा, बट इस बंदे ने सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग रूट कॉज को ही खत्म कर देंगे। तो गाइस आप सबको तो पता ही होगा क्रिकेट की सबसे धमाकेदार लीग कैरेबियन प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है और वेस्ट इंडीज और वर्ल्ड क्रिकेट के धांसू प्लेयर्स तैयार हैं रनों के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। CPL 2024 में इस बार खेलो स्टार भी रेडी है अपने अब तक के सबसे बड़े विनिंग प्राइज के साथ। इस क्रिकेट लीग में आप हर मैच के साथ खेलो स्टार पर 1 करोड़ तक जीत सकते हो, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग और स्पोर्ट्स बुक साइट है। टॉस के आउटकम से लेकर स्कोर प्रेडिक्शन और मैच विनर तक आप अलग अलग ऑप्शंस और मल्टीपल विनिंग्स कर सकते हो। और हां, इसके अलावा IPL, BBL, वर्ल्ड कप जैसी अदर सिम्युलेटेड रियलिटी लीग्स
पर भी आप लाइव विनिंग्स कर सकते हैं। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे ऑल मेजर स्पोर्ट्स तो हैं ही, साथ ही 5000 से भी ज्यादा इंस्टेंट विनिंग गेम्स भी हैं, जिन पर आप फास्ट विनिंग्स और विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ साइन अप बिल्कुल फ्री है और आपके पहले डिपॉजिट पर आपको 100% का वेलकम बोनस भी मिलेगा, वो भी 1,00,000 रुपए तक। और हाँ, कमेंट्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन करने वालों को 5 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे, जिन पर आप फ्री में OnePlus iPhone और कई रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो अभी रजिस्टर करो और ब्रेक करो विनिंग्स के सारे रिकॉर्ड्स विद खेलो स्टार। चलो गाइस, तो आज तक के सबसे ज्यादा खतरनाक प्लान की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पे पुलिस कैप्टन कह रहा है कि माइकल एक बहुत ज्यादा सिंपल प्लान है, अगर हमें मिलिट्री कर्नल को वापस से मिलिट्री बेस में पहुंचाना है तो उसके लिए बेंग माफिया के भाई ने जो नकली मिलिट्री कर्नल को अपॉइंट करा है ना, उसे हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। और रास्ते से हटाने का मतलब है कि हमें उसे मारना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि जो नया मिलिट्री कर्नल है वो मिलिट्री बेस के अंदर आ चुका है या फिर कहीं और से ऑपरेट कर रहा है। तो उसका भी बस एक ही सॉल्यूशन है, हमें मिलिट्री बेस जाकर पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मिलिट्री कर्नल है या फिर नहीं। दिक्कत की बात यह भी है कि जितने भी मिलिट्री के बंदे हैं उन्हें समझ में आ चुका होगा कि जो पुराना मिलिट्री कर्नल है वो गायब है और नए वाले ने उसकी जगह ले लिया है। बट प्रॉब्लम की बात यह है, क्योंकि वो कर्नल है, कोई और उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। भाई साहब, मतलब एक बार सोच कर देखो, मिलिट्री कर्नल का ऑलमोस्ट सब कुछ छीनने की प्लानिंग हो रही है और आधे से ज्यादा लोगों को यही पता है कि ये पुराना मिलिट्री कर्नल मर चुका है। एक चीज तो पक्का है, इसका तो हम लोग काफी ज्यादा बड़े लेवल का कमबैक करवाने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना मिनी मड्रासो के घर पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है और ना ही बिग माफिया के भाई को ढूंढने का। तो चलो ठीक है, इस टाइम पर जो लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन है ये कह रहा है कि माइकल तुम एक काम करो, तुम जाओ सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में, वहां पर जाकर पता करने का ट्राई करो कि कोई मिलिट्री कर्नल वहां पर ऑपरेट कर रहा है या फिर नहीं। बदले में तुम्हारी जितनी भी गाड़ियां वगैरह सीज हुई हैं उन सबको मैं निकलवा दूंगा। चलो गाइस, आई थिंक ना एकदम परफेक्ट डील है, क्योंकि अपने शोरूम बिजनेस में जितनी भी गाड़ियां वगैरह जा रही हैं वो सब आफ्टर ऑल गैंग के बंदे बिग माफिया के भाई के कहने पर करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की सीज्ड पार्किंग में सेल करके आते हैं। तो अब ये बंदा पुलिस कैप्टन है, तो हाँ सही बात है, ये बंदा अपना काम करवा सकता है। चलो ठीक है, अभी ये यहाँ पर आराम से बैठकर ना बाकी का प्लान वगैरह डिस्कस करता रहेगा। फिलहाल हमें जो करना है वो है कि हम लोग जाने वाले हैं सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में। वहां पर हमें मिलिट्री के एंट्रेंस पे हो सकता है कि कोई रोके या फिर हमें सीधा अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। बेसिकली जो नया वाला कर्नल है उससे मुझे मीटिंग करने का ट्राई करना है, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बंदा मिलिट्री बेस में है या फिर कहीं और है। बाकी भाई, इतनी बड़ी चीज ये लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन प्लान कर लेगा ये मैंने नहीं सोचा था, और ये भी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी साथ में काम करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे अपना पर्पस सेम है, यानी कि अपना दुश्मन सेम है, हाँ चीजें बदल सकती हैं। और ये चीज देखकर काफी अच्छा लगा कि जो लॉस सैंटोस का पुराना पुलिस कैप्टन था उसने जो चीजें करी थी वो उसका भाई यानी कि नया पुलिस कैप्टन नहीं करेगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक का आउटकम अलग था, इसका आउटकम काफी ज्यादा वाला अच्छा है। तो चलो गाइस, अभी के लिए जो अपने वाले डिफेंडर है हम लोग फुल स्पीड में भगाते हैं, निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में। वहां पर जाकर जरा पता करके आते हैं कि जो नया कर्नल है वो क्या खिचड़ी पका रहा है। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं यहां पर अपने डिफेंडर को भगाता हुआ फाइनली लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में पहुंचने वाला हूं। लास्ट टाइम मैं यहां पर सीधा लैंड हुआ था अपने प्लेन को लेकर, जब मैंने आखिरी बार मिलिट्री कर्नल से बात करी थी। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामने वाली साइड में मुझे यहां पर मिलिट्री बेस दिख रहा है, और वेट, सामने कुछ मिलिट्री के गार्ड्स भी हैं जिन्होंने रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। वेट गाइस, मैं काम करता हूँ, जो अपनी गाड़ी है इसको फिलहाल मैं जरा यहीं पे छोड़ता हूँ। सामने मुझे काफी सारे मिलिट्री के बंदे दिख रहे हैं और इन लोगों ने जिस तरीके से मेरे ऊपर एम करके रखा हुआ है ना, थोड़ा सा मुझे सीन खराब लग रहा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, एक बार मैं से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मुझे जरा मिलिट्री कर्नल से मिलना है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वेल गाइस, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इन लोगों ने फिलहाल मुझे मिलिट्री बेस के अंदर जाने से मना कर दिया है। मैंने इससे पूछा कि यार दिक्कत की बात क्या है, मैं तो पहले भी कई बार मिलिट्री बेस के अंदर आ चुका हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री बेस में मिलिट्री कर्नल ने कुछ नए ऑर्डर्स दिए हैं और स्ट्रिक्टली कहा है कि जो बंदा मिलिट्री का पार्ट नहीं है वो कुछ दिनों के लिए मिलिट्री बेस के अंदर नहीं आ सकता। वेल, ये काफी वियर्ड ऑर्डर है, लेकिन जैसा कि इसने कहा, मिलिट्री कर्नल ने मिलिट्री बेस में ऑर्डर दिया है, तो इसका मतलब कि वो नया मिलिट्री कर्नल जिसे बिग माफिया के भाई ने अपॉइंट करा है वो मिलिट्री बेस के अंदर ही है। ओके, तो यार ये वाली चीज तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं एक बार उसको देखना चाहता हूँ और पता करना चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली कौन है। उसके लिए मुझे मिलिट्री बेस के अंदर जाना पड़ेगा, बट इस बंदे ने तो यहीं से मना कर दिया। चलो ठीक है, अभी इसने मना कर ही दिया तो हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एक बार पुलिस कैप्टन को फोन करता हूँ और अगर हो सके तो लेस्टर से भी मदद लेने का ट्राई करता हूँ। कोई रास्ता ऐसा जरूर होगा जिससे हम लोग की मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं। फिलहाल इन लोगों ने मुझे मना कर दिया, इसके बारे में जरा मैं एक बार पुलिस कैप्टन को फोन करके बोलता हूँ, फिर देखते हैं कि वो आगे का क्या प्लान वगैरह बताने वाला है। चलो गाइस, तो मेरी बात यहाँ पर पुलिस कैप्टन के साथ में हो चुकी है और ये इस टाइम पे कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है माइकल, अगर तुम मिलिट्री बेस के अंदर नहीं जा पाए, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात ये है कि हमें कंफर्म हो चुका है कि जो नया मिलिट्री कर्नल है
वो अपॉइंट हो चुका है और वो मिलिट्री बेस के अंदर से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। बाकी इस टाइम पर पुलिस कैप्टन कह रहा है कि माइकल तुम एक काम करो, सीधा उसी जगह पर आ जाओ जहां पर लास्ट एपिसोड में तुम्हारी मर्सिडीज की GLS वो बंदा सेल कर गया था, यानी कि वही पार्किंग जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट की सारी सील्ड कार्स वगैरह रखी रहती है, वहां पर से वो अपनी मर्सिडीज GLS जो हम लोगों ने एक लास्ट एपिसोड में कस्टमर को डिलीवर करी थी उसे फ्री कर देगा। उसके साथ में अगर अपनी वहां पर कोई और गाड़ी होगी उसे भी फ्री कर देगा। साथ ही साथ अब ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि देखो अगर हमें मिलिट्री बेस के अंदर जाना है ना तो अभी डायरेक्टली अंदर जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मुझे उस मिलिट्री वाले बंदे ने बताया, मिलिट्री कर्नल ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि जो भी बंदा मिलिट्री बेस के अंदर नहीं है या फिर मिलिट्री का पार्ट नहीं है वो अंदर नहीं आ सकता। बाकी भाई यहाँ पर भी मिलिट्री की सिक्योरिटी काफी टाइट है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो नया मिलिट्री कर्नल आया है उसने यहाँ की ना आसपास चेकिंग पेट्रोलिंग सब कुछ बहुत टाइट कर दिया है। यार इस नए मिलिट्री कर्नल का कुछ करना पड़ेगा और इसी एपिसोड के अंदर डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर जाने वाले हैं और कैसे उसे टेक डाउन करके अपने पुराने और ओरिजिनल मिलिट्री कर्नल को वापस लेकर आने वाले हैं। तो चलो गाइस फिर से एक बार मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और हम लोग निकलते हैं सीधा पुलिस कैप्टन से मिलने के लिए जो कि सील्ड पार्किंग के बाहर अपना वेट कर रहा है। ओके, तो गाइस अभी मैं यहाँ पर अपने डिफेंडर को लेकर फाइनली लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट की उसी सील्ड पार्किंग के बाहर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर लास्ट एपिसोड में बिग माफिया के भाई के गैंग के बंदों ने आकर अपनी मर्सिडीज सेल करी थी। बाकी जितना मुझे याद है जितनी भी नई गाड़ियां होती है ना वो एकदम टॉप फ्लोर पर होती है। तो लेट्स गो, अभी जल्दी से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से वाला काम करना है, क्योंकि जो कस्टमर है भाई वो इतने गंदे तरीके से फोन में लगा हुआ था उसे याद तक नहीं हुआ कि उसकी मर्सिडीज GLS चोरी हो गई है। तो अब इससे पहले कि वो रियलाइज करके कंप्लीट करे उससे पहले हमें उसकी गाड़ी को वापस लेकर आना पड़ेगा। बाकी वेट, ये थर्ड फ्लोर है, मुझे जाना है फोर्थ फ्लोर पे। तो लेट्स गो, अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से एक और लेफ्ट टर्न लेता हूँ एंड आई थिंक हम लोग फोर्थ फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। बाकी ओके, मुझे वहां पर ना पुलिस कैप्टन भी देख चुका है। तो लेट्स गो गाइस, अभी जल्दी से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, जाकर मैं एक बार उससे बात करता हूं। बाकी आपको याद होगा ये वही जगह है जहां पर अपने एक कस्टमर की रोल्स रॉयस भी थी और उसे हम लोगों ने गंदे तरीके से चुराया था। अच्छी बात ये कि यहाँ पे ना पुलिस वाले कुछ मुझे बोलेंगे नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल कैप्टन के साथ में अपना काम है। और ये देखो गाइस, ये रही अपनी मर्सिडीज की GLS जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, तो अभी यहाँ पर कैप्टन से मैं एक बार बात कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि ठीक है भाई इस वाली गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और पूछ लेता हूँ कि आगे का प्लान क्या है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात पुलिस कैप्टन के साथ में हो चुकी है और यहाँ पर जो अपनी गाड़ी थी वो भी एकदम रेडी है, तो हाँ इसको लेकर हम लोग जा सकते हैं। बाकी मैंने इससे पूछकर देखा कि जो मिलिट्री बेस है उसके अंदर जाने का कोई आइडिया समझ में आया, तो ये कह रहा है कि इसने अपने कुछ सोर्सेज से पता करने का ट्राई करा है और आधे घंटे के अंदर वो लोग हमें कोई तरीका बता सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं और साथ ही में मिलिट्री कर्नल के साथ में एक मीटिंग भी कर सकते हैं। बाकी इसका दूसरा सॉल्यूशन ना मैं सोच रहा हूँ एक बार लेस्टर से पूछूंगा, क्योंकि पुलिस कैप्टन के सोर्सेस कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लेस्टर पे भरोसा है, उसे अगर मैं सिचुएशन बताऊंगा ना तो काम अपना बन सकता है। तो चलो ठीक है, अभी अपनी पुलिस कैप्टन के साथ में तो बात हो चुकी है, टाइम आ चुका है जरा इस वाली गाड़ी को वापस से उसी कस्टमर को डिलीवर करना जिसके घर से ये वाली गाड़ी चोरी हुई थी। अब जो भी इसका पैसा वगैरह है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल बंदा पुलिस कैप्टन है यार, संभाल लेगा। और जो अपने वाली डिफेंडर है उसको भी मैं यहाँ पर छोड़ नहीं सकता, तो हाँ मैंने यहाँ पर पुलिस कैप्टन को बोल दिया कि भाई किसी भी एक पुलिस वाले को बोलकर मेरी गाड़ी घर पर डिलीवर करवा देना, वरना ये गाड़ी यहीं पड़ी रहेगी। तो चलो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये काम भी अपना हो जाएगा। फिलहाल टाइम आ चुका है जरा इस वाली गाड़ी को उसी कस्टमर के घर पे वापस छोड़ के आने का जिसके घर से लास्ट एपिसोड में चोरी हुई थी। और वो बंदा भाई सच में इतने गंदे तरीके से फोन में लगा हुआ था, रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब दो नकली हाईवे ऑफिसर आए, गाड़ी लेकर चले गए, सील्ड पार्किंग में जाकर सेल भी कर दिया। चलो ठीक है, होता रहता है, बंदे आजकल कुछ ज्यादा ही फोन में लगे रहते हैं, वैसे हो सकता है मेरा ही वीडियो देख रहा हो। तो चलो गाइस अभी टाइम आ चुका है इस वाली गाड़ी को लेकर जल्दी से निकलने का और उसी कस्टमर को डिलीवर करके आने का। तो फुल स्पीड में वाली मर्सिडीज को हम लोग भगाते हैं और उस कस्टमर के घर के लिए निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी इस मर्सिडीज की GLS को लेकर मैं फाइनली उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर से हम लोगों ने इसको लास्ट एपिसोड में उठाया था। बाकी बस मुझे एक बात का डर लग रहा है कि कहीं गलती से उस बंदे को कोई आइडिया वगैरह ना लग गया हो और वो यहाँ पहुंच ना गया हो। ओके वेट, तो यहाँ पर उसकी इस टाइम पे बालकनी खाली पड़ी है और बंदा नीचे भी कोई नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो यही टाइम है, फटाफट से इस वाली गाड़ी को मैं आराम से इसी जगह पर पार्किंग में लगा देता हूँ जहां पर से मैं इसको लाया था। डन गाइस, अपना काम हो चुका है। इस टाइम पे इस मर्सिडीज की GLS को फाइनली मैंने इसी की जगह पर छोड़ दिया। और वेट भाई, यही तो इस गाड़ी का मालिक। और एक सेकेंड भाई, ये देखो बंदा अभी भी इतने खतरनाक तरीके से फोन में लगा हुआ है, इसे होश ही नहीं कि कब मैं इसकी गाड़ी यहाँ से लेकर गया था और अब गाड़ी वापस भी आ चुकी है। बाकी वेट, अभी तक इसने नोटिस नहीं करा कि गाड़ी इसके यहाँ पे आ चुकी है, बंदा करके रहा एग्जैक्टली। रुको यार एक बार ना मैं देखता हूँ, बंदा कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है क्या? देखो बंदा पैसे वाला तो है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसने अपने शोरूम से मर्सिडीज की GLS तो ली थी। बाकी वेट, ये वही गाड़ी है ना जो कि मैं और लॉस सैंटोस का पुलिस कैप्टन यहाँ पर छोड़कर गए थे? भाई साहब, यहाँ से इसने गाड़ी निकाल ली और बंदे ने बाइक ठोक दी,
ठीक है भाई। बाकी गाइस बंदा सच में पता नहीं क्या फोन में लगा रहता है। यहाँ पर इसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और अभी मैं वापस लेकर आ गया, दोनों ही चीजें बंदे को रियलाइज नहीं हुई। मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक कस्टमर की तो गाड़ी हम लोगों ने वापस कर दिया है। अभी मुझे याद आया कुछ टाइम पहले जो अपना कस्टमर था जिसने हमसे रेड कलर की रोल्स रॉयस ली थी, उसे भी हम लोगों ने एक रिप्लेस में दूसरी गाड़ी दी थी, यही बोलकर कि जैसे इसकी रोल्स रॉयस रेडी हो जाएगी हम लोग इसकी गाड़ी इसको वापस कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक उसकी गाड़ी ना अभी तक रिपेयर होकर रेडी हो चुकी होगी, तो शायद अब टाइम आ चुका है जरा उसकी भी गाड़ी को वापस एक बार करने का। तो यार रुको, मुझे ना पहले यहाँ पर ना कोई दूसरी बाइक, ओके यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, तो लेट्स गो। अभी जल्दी से इसी वाली कार को लेकर मैं जाता हूँ सीधा बैनी के गैराज पे और वहाँ पर जो बैनी का मैकेनिक है उससे पूछ कर देखता हूँ कि जो रोल्स रॉयस मैंने उसे कहा था रिपेयर करने के लिए, आई थिंक वैसे अभी तक तो रिपेयर हो चुकी होगी। तो हाँ, आज उस गाड़ी को हम लोग उस कस्टमर को वापस देकर आएंगे। ऊपर से मैं कुछ फ्लावर्स या फिर उसको एक थोड़ा बहुत डिस्काउंट कूपन भी दे दूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो अपने शोरूम से गाड़ी खरीदता है तो उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सच में यार उस बंदे के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ, उसने अपनी वाइफ की एनिवर्सरी पर या फिर उसके वाइफ के बर्थडे पर रोल्स रॉयस गिफ्ट करी थी और वही चोरी हो गई थी। बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ, निकलते हम लोग सीधा बैनी के गैराज पे। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं चोरी की गाड़ी को लेकर बैनी के गैराज पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी चोरी की गाड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने रैंडम गाड़ी कहीं से उठा ली थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस गाड़ी को मैं फिलहाल के लिए यहीं बाहर वाली साइड में छोड़ देता हूँ। एंड लेट्स गो, अभी हम लोग चलते हैं सीधा बैनी के गैराज के अंदर। जिस मैकेनिक को हम लोगों ने रोल्स रॉयस दी थी उससे मैं एक बार जाकर पूछता हूँ कि भाई गाड़ी का क्या सीन है। ओके, यहाँ पर ना सामने वाली साइड में खड़ा है और या तो ये कुछ फोन के रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर रहा है या फिर किसी से बात कर रहा है। तो चलो गाइस एक बार मैं से बात करता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि गाड़ी वगैरह कहाँ पर है। चलो गाइस, तो भी मेरी बात इस मैकेनिक के साथ में हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि दो दिन पहले आप जो रोल्स रॉयस यहाँ पे छोड़कर गए थे वो अब फाइनली रिपेयर हो चुकी है। तो अब टाइम आ चुका है कि उस वाली गाड़ी को हम लोग उसके कस्टमर के पास वापस छोड़ के आएंगे और रिप्लेस में जो उसे एक नई तरीके की गाड़ी दी थी ना उसे हम लोग वापस एक बार अपने शोरूम पे लेकर जा सकते हैं। बाकी सच में यार इस चीज में ना काफी टाइम लग गया और अपने शोरूम की भी रेपुटेशन काफी डाउन हो गई, बट आई थिंक अब ये काम ना ज्यादा नहीं होगा। ओके भाई साहब, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है गाड़ी और ये देखो, ये वही रोल्स रॉयस है जो कि रेड कलर में थी और अपने कस्टमर को हम लोगों ने दी थी। लेकिन ये जो अपना मैकेनिक है ये मुझे बता रहा है कि इसके साथ भी सेम चीज हुई थी, इस गाड़ी के ऊपर ना काफी बुलेट्स वगैरह लग गई थी और पेंट उखड़ गया था। तो हाँ यार, इसी वजह से इस गाड़ी का ना पेंट एक और बार चेंज करना पड़ा, लेकिन जो नया पेंट है काफी ज्यादा सही लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे पक्का पता है अपने कस्टमर को पसंद आएगा। वैसे गाड़ी ना काफी खाली लग रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं काम करता हूँ। मैकेनिक सुन, मुझे ना एक बार फ्लावर्स लगा कर दे और इस गाड़ी पे हम लोग ना फ्लावर लगाने वाले हैं, कस्टमर को थोड़ा सा ना ठीक दिखाना है गाड़ी को। डन गाइस, तो अपना काम यहाँ पर हो चुका है। जो रोल्स रॉयस है उसके ऊपर हम लोगों ने एक प्यारा सा फ्लावर का सेट भी चिपका दिया है। अब ये हमारा एक सॉरी बोलने का तरीका भी है क्योंकि उस बंदे ने पहली बार अपने शोरूम से गाड़ी खरीदी थी और काफी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ गई थी। बाकी जो अपनी गाड़ी है इसको मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया है क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लोग उसको रिप्लेस में कार देने गए थे उस टाइम पे उस कार पे काफी मिट्टी लग गई थी। बाकी ठीक है, गाड़ी एकदम रेडी है, तो अब टाइम आ चुका है इसके अंदर बैठने का और इसको लेकर जाने का। सच में यार मानना पड़ेगा जो मैकेनिक है इसने ना काम तगड़ा करा है और ये देखो नीचे इसने ब्लू कलर की एम्बियंट लाइटिंग भी लगवा रखी है। बाकी अभी टाइम आ चुका है इस गाड़ी को लेकर बैनी के गैराज से बाहर निकलने का और सीधा इसे डिलीवर करके आने का ओरिजिनल ओनर के पास। थोड़ा सा ना ये काम संभल के करना पड़ेगा और वो देखो मैकेनिक भी अपना बाय बोल रहा है। लेट्स गो गाइस, अभी अपनी गाड़ी को मैं फाइनली लेकर आ चुका हूँ बैनी के गैराज के बाहर, तो अभी जल्दी से इसको लेकर चलते हैं कस्टमर के पास में। वैसे मैंने ना कस्टमर को फोन करके बताया नहीं है कि मैं उसकी गाड़ी वगैरह लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये एक सरप्राइज है। तो हाँ, सरप्राइज की तरह ही देना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई ट्रक वगैरह भी यूज नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे इतना ट्राई करना है कि गलती से भी ये गाड़ी कहीं ठुके ना और सेफली हम लोग इसे कस्टमर के पास ले जाएं। बाकी जो अपनी वाली गाड़ी है जो कि हम लोगों ने इसके रिप्लेसमेंट उस कस्टमर को दी थी, बस हमें वो वहां से वापस लानी है और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। वैसे सच में यार रेड कलर की रोल्स रॉयस थी तब भी प्यारी लग रही थी, लेकिन अपने मैकेनिक ने जो इस पे नया कलर और पेंट करा ना ये भी काफी लग्जरी कॉम्बिनेशन लग रहा है। लेट्स गो, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फुल स्पीड में इस वाली गाड़ी को भगाते हैं, निकलते हैं सीधा उसी कस्टमर के घर पे और जाकर उसको ये वाली कार डिलीवर करके आते हैं। चलो गाइस, तो फाइनली इस वाली रोल्स रॉयस को लेकर मैं उसी कस्टमर के घर पे पहुंचने वाला हूं जहां पर हम लोगों ने गाड़ी पहले डिलीवर करी थी और तीसरी बार लिटरली इस बंदे के घर का चक्कर लग रहा है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रोल्स रॉयस डिलीवर करने के बाद और अपनी रिप्लेस वाली कार वापस लेने के बाद आई थिंक यहां पर वापस नहीं आना पड़ेगा। बाकी सच में भाई गाड़ी ना बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है। लेट्स गो, इस टाइम पर हम लोग उस बंदे के घर पे पहुंच चुके हैं, तो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। और एक सेकेंड, ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है? इसकी वाइफ अपनी रिप्लेस वाली कार के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवा रही है। ऑलराइट, यहाँ पर इसको काम करने देते हैं। बाकी वेट,
ये रहा वो बिजनेसमैन जिसने अपने गाड़ी खरीदी थी। एक बार मैं इसे बात करता हूँ और इसको बताता हूँ कि जो गाड़ी इसने हमसे रिप्लेस में ली थी, अब मैं उसे वापस लेने के लिए आ चुका हूँ और जो इनकी ओरिजिनल रोल्स रॉयस है वो यहाँ पे फिर से रेडी है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात अपने कस्टमर के साथ में हो चुकी है और ये कह रहा है कि माइकल यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुकी है। मैं ये चीज देखकर काफी खुश हूँ कि तुम मेरी ओरिजिनल वाली रोल्स रॉयस को यहाँ पर फाइनली लेकर आ चुके हो, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जो उसकी वाइफ है इसे वो रिप्लेस वाली कार रोल्स रॉयस से भी ज्यादा पसंद आ चुकी है। इसने कुछ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वगैरह पोस्ट करे होंगे और यहाँ पर देखो उसने और भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को बुलाकर रखा हुआ है और ये मुझे बता रहे कि इसकी वाइफ के जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको इसकी गाड़ी, ये नई स्पोर्ट्स कार काफी ज्यादा पसंद आई। बात ये कि रोल्स रॉयस लग्जरी प्रीमियम कार है बट काफी सारे बिजनेसमैन के पास ये कार ऑलरेडी है और इसी वजह से जैसे इसकी वाइफ ने इन पिक्चर्स को अपलोड करा इसे काफी बढ़िया सपोर्ट मिला और काफी लोगों ने और इसके दोस्तों ने इस गाड़ी की तारीफ करी। यार दिक्कत हो गई है, ये रोल्स रॉयस हम लोगों ने $10 मिलियन की सेल करी थी इस बंदे को और ये जो नई गाड़ी थी ये मैं डिमांड टेस्टिंग के लिए लेकर आया था। एक्चुअल में ये एक एस्टन मार्टिन है बट मुझे पता ही नहीं चला कि इस गाड़ी की डिमांड क्या है, कितनी प्राइस रखनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने इस बंदे को ये गाड़ी $10 मिलियन में सेल कर दिया है। चलो गाइस एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसके लिए ना रोल्स रॉयस लेकर आया था बट ये बंदा कह रहा है कि नहीं अब इसको रोल्स रॉयस नहीं चाहिए क्योंकि गिफ्ट इसकी वाइफ का था और इसकी वाइफ को यही वाली गाड़ी पसंद है। ठीक है, हमारी शोरूम की रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए और अपना कस्टमर खुश है उससे ज्यादा बढ़कर कोई बात नहीं है। बिजनेस का रूल भी यही है कि कस्टमर हमेशा खुश रहना चाहिए। तो चलो कैसे काम करते हैं, गाड़ी मैं वापस ले लेता हूँ और इस वाली गाड़ी के ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट्स मैं इस बंदे को बाद में मेल कर दूंगा। ऑल डन गाइस, तो इस कस्टमर की सारी बिल डिटेल्स वगैरह जो कि हम लोग इस नई कार के साथ इसको देने वाले हैं वो मैंने अपने एक नोट पैड पे नोट कर लिया है और अब बाद में मैं मेल के थ्रू इसको सारे के सारे बिल्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इस टाइम पर ये बंदा भी ना काफी खुश है क्योंकि इन द एंड गिफ्ट इसकी वाइफ का था और गिफ्ट उसको काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी रोल्स रॉयस के साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग अब शोरूम जाकर डिसाइड करेंगे क्योंकि भाई नई की नई गाड़ी है। मैं फ्लावर्स भी लेकर आया था लेकिन अब गाड़ी इन्हें नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कस्टमर्स खुश हैं वो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे ना घर पर जाना है और रोल्स रॉयस वाली अभी एक लौती गाड़ी है जिससे कि हम लोग घर पर जा सकते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, सीधा ना इसी गाड़ी को लेकर अपने घर पर जाते हैं और लेट्स से मुझे बात भी करनी है। बाकी आप लोगों को टाइम तो याद ही होगा जब लास्ट एपिसोड में मैं यहाँ पर साइकिल से गया था और अब देखो टाइम इतनी जल्दी पलट गया कि मैं वापस रोल्स रॉयस से जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि ये रोल्स रॉयस अपनी नहीं है और अपने शोरूम की है। वैसे यार गाड़ी ना काफी सही लग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे पर्सनल कार बना लूं क्योंकि दिखने में भी गाड़ी काफी सही है और रोल्स रॉयस अपने पास नहीं है, कलेक्शन में एक भी रोल्स रॉयस नहीं है। चलो इसके बारे में तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हाँ अभी इस वाली गाड़ी को लेकर हम लोग चलते हैं सीधा मेरे वाले घर पे क्योंकि वहां पर मुझे लेस्टर से बात करनी है, उसे सारी की सारी सिचुएशन वगैरह एक्सप्लेन करनी है कि कैसे हम लोग लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के साथ में काम कर रहे हैं बिग माफिया के भाई का एंड करने के लिए और कैसे मिलिट्री कर्नल जिंदा है। ये बात सुनने के बाद ना लेस्टर को भी काफी बड़ा शॉक लगने वाला है। बाकी गाइस यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लेस्टर ओपी लिख देना जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे सियोर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकता हूँ। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, 12,000 लाइक्स का टारगेट है, फटाफट से जाओ और उसे भी जाकर कंप्लीट करवा दो। ऑल्सो गाइज आप में से जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर देना क्योंकि मैं वहां पर अपने सारे के सारे लॉन्ग वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि अपना व्हाट्सएप चैनल भी बिल्कुल तैयार है। तो हाँ जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर सकते व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल पे भी सारे के सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल प्रमोशन और बातें बहुत हो गई, अभी के लिए टाइम आ चुका है जरा इस वाली गाड़ी को लेकर सीधा अपने घर पे जाने का, लेस्टर से जरा बातचीत करने का और एक तरीका ढूंढने का कि कैसे हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि नए मिलिट्री कर्नल का क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और हम लोग निकलते हैं सीधा अपने वाले घर के लिए। ओके, तो गाइस अभी मैं इस वाली रोल्स रॉयस को लेकर फाइनली अपने वाले घर पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी देखने में तो सच में ऐसे लग रहा है कि मैं रोल्स रॉयस की डिलीवरी लेकर अपने घर पे आया हूँ क्योंकि गाड़ी के आगे फ्लावर लगा हुआ है और सीधा गाड़ी अपने वाले घर के एरिया में जा रही है। तो चलो गाइस अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा इस गाड़ी को घर के अंदर लेकर जाऊँ क्या? वेट यार, जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स है ना उनको गेट खुलवाने का बोलने का मतलब नहीं है, जरा से भी अंदर ले जाते टाइम स्क्रैच आ गया ना दुख दर्द बढ़ जाएगा। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ इस वाली गाड़ी को ना यहीं पर छोड़ता हूँ, वैसे भी पहले मुझे अंदर जाकर लेस्टर से बात करनी है, उसे मिलिट्री बेस और नए मिलिट्री कर्नल की सारी सिचुएशन बतानी है और उसके बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे कि एग्जैक्टली मिलिट्री बेस के अंदर जाना कैसे है।
तो चलो गाइस, फिलहाल मैं अपने घर के अंदर फाइनली आ चुका हूँ। अभी जाकर एक बार हम लोग लेस्टर को ढूंढते हैं, जाकर उसे सारी की सारी बातें वगैरह बताते हैं कि कैसे पुलिस कैप्टन फिलहाल अपने साथ में काम कर रहा है और ओरिजिनल मिलिट्री कर्नल भी जिंदा है। ओके, वहां पर सामने वाली साइड में मुझे लेस्टर और लमार दोनों दिख रहे हैं, तो चलो जाकर अभी एक बार इनसे बात करते हैं। और लमार से बिना मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि भाई जो चेक की बात हुई थी वो आया भी है या फिर अपने बैंक में नहीं आया फिलहाल। ऑल डन गाइस, तो भी मेरी यहाँ पर लेस्टर के साथ सारी की सारी बातचीत वगैरह हो चुकी है, सारी सिचुएशन मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे पुलिस कैप्टन अपना साथ दे रहा है कैसे भी करके बिग माफिया का भाई एंड करने के लिए। और बिग माफिया के भाई को एंड करने के लिए हमें मिलिट्री कर्नल की भी मदद चाहिए। और मैंने लेस्टर को ये भी बता दिया है कि जो असली मिलिट्री कर्नल है वो अभी भी जिंदा है। बाकी लेस्टर इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल ये चीज ना मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा लेस्टर को भी डाउट हो रहा था कि लॉस सैंटोस का मिलिट्री कर्नल मर चुका है, इसके बारे में किसी को लॉस सैंटोस में नहीं पता था। और इसका सिंपल सा मतलब था या तो मिलिट्री कर्नल मारा जा चुका है या फिर उसके मरने की न्यूज फेक है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, एक्चुअल में बिग माफिया के भाई ने एक दूसरे मिलिट्री कर्नल को अपॉइंट कर दिया था और इसके बारे में कानो कान पूरे लॉस सैंटोस में किसी को भी खबर नहीं थी। बाकी इस टाइम पर लेस्टर कह रहे हैं कि माइकल एक रास्ता है जिससे कि तुम मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हो। आप लोगों को याद होगा उस मिलिट्री के बंदे ने मुझसे ये कहा था कि मिलिट्री बेस के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो कि मिलिट्री का पार्ट है, बाहर वाले बंदों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो लेस्टर कह रहे हैं कि माइकल क्यों ना तुम टेम्पररी तरीके से मिलिट्री ज्वाइन कर लो और मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद तुम कर्नल से मिल सकते हो। बाकी ये कह रहे हैं कि कर्नल से मिलने का एक और रास्ता है, ये मुझे बता रहे हैं कि जो लॉस सैंटोस की मिलिट्री है वो रीसेंट टाइम में कुछ नए बंदों को रिक्रूट कर रही है, मतलब कि और भी ज्यादा यंग बंदों को मिलिट्री के अंदर लेने का ट्राई कर रही है। और लेस्टर मुझे बता रहे हैं कि उन सारे नए बंदों की जो ट्रेनिंग है वो मिलिट्री कर्नल हर हफ्ते खुद ही आकर चेक करता है, और आज वीक का वही दिन है जिस दिन मिलिट्री कर्नल आएगा और उन सारे बंदों की ट्रेनिंग चेक करेगा। तो ये कह रहे हैं कि माइकल तुम एक काम करो, तुम उस जगह पर पहुंच जाओ जहां पर सारे के सारे नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, और ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम्हें भी कैसे भी करके मिलिट्री के अंदर ज्वाइन होना है। तो हाँ, वहां पर जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो भी थोड़ी बहुत कर लेना, और जैसी मिलिट्री कर्नल आए ट्राई करना उससे बात करने का और उसको डायरेक्ट बोलना कि तुम्हें किसी भी हालत में मिलिट्री में ज्वाइन होना है। ऑल राइट भाई, इसका प्लान काफी तगड़ा है। मैं काम करता हूँ जरा इसके बारे में ना पुलिस कैप्टन से एक बार बात कर लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ कि भाई इस प्लान को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो गाइस, तो भी मेरी बात पुलिस कैप्टन के साथ में हो चुकी है और ये भी कह रहा है कि लेस्टर का प्लान सच में काफी ज्यादा तगड़ा है और यही इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग इजीली मिलिट्री कर्नल से मिल भी सकते हैं और आराम से मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं। बाकी मुझे पुलिस कैप्टन कह रहा है कि माइकल तुम्हें ये काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम हो चुका है जब मिलिट्री कर्नल एक राउंड पर आता है और नए रिक्रूट्स को मोटिवेट करता है और उनकी चेकिंग वगैरह करता है। हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे के अंदर हमें मिलिट्री बेस पहुंचना पड़ेगा और वहां पर ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। बाकी इस टाइम पे लेस्टर कह रहा है कि माइकल इस बियर्ड वगैरह के साथ में तुम बिल्कुल भी ना यंग रिक्रूट के लायक लग नहीं रहे हो, तो ये कह रहे कि अपनी बियर्ड निकाल कर जाओ और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनकर जाना जिससे कि देखने में लगना चाहिए कि तुम किसी गरीब घर के हो और तुम्हारा मिलिट्री के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट गाइज, इंडिपेंडेंस डे निकल चुका है लेकिन टाइम आ चुका है फिर से एक बार देशभक्त बनने का, इस बार इंडिया के लिए नहीं बल्कि लॉस सैंटोस के लिए। इंडिया के लिए तो हम लोग फॉरएवर हैं, फिलहाल हमें टेम्पररी लॉस सैंटोस के लिए बनना है। तो चलो अभी जल्दी से काम करते हैं, मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूं और जो अपनी नकली वाली बियर्ड है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, साथ ही में जो शर्ट है इसको भी मैं हटा लेता हूं। कोई छोटा मोटा गैंगस्टर बनकर चलते हैं जो कि देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब इसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो चुकी है और अब ये देशभक्त बनना चाहता है। डन गाइस, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और जैसे कि मैंने कहा था मैंने यहाँ पर एकदम नॉर्मल से कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि लेस्टर ने मुझे कहा है कि हमें मिलिट्री वाले बंदों को गलती से भी ये नहीं दिखाना है कि हम लोग कोई मिलियनेयर हैं या फिर बिलियनेयर हैं या फिर जिसके पास एलएस मोटर्स का पूरा शोरूम है। तो हाँ, मैं अपना एकदम नॉर्मल तरीके से जाने वाला हूँ, आफ्टर ऑल मैंने अपना कपड़े भी ऐसे पहने हैं जैसे मैं कोई छोटा मोटा गैंगस्टर हूँ। बाकी उसके अलावा आप लोगों ने अगर एक चीज नोटिस नहीं करी तो ये देखो, जो अपनी डिफेंडर थी वो लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन ने फाइनली अपने घर पे भिजवा दिया है। बाकी उसके अलावा जो अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक थी जो कि बहुत टाइम पहले उसी पार्किंग के अंदर रह गई थी वो भी पुलिस कैप्टन ने अपने घर पे भिजवा दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ियां तो अपने पास काफी सारी हैं लेकिन अगर इनको लेकर जाऊंगा ना तो मिलिट्री वाले सीधा मुझे भगा देंगे, बोलेंगे कि भाई गरीब की जगह छीन रहा है। तो एक काम करते हैं, ये वाली जो बाइक है इसी को लेकर चलते हैं। बाइक तो यार कैसी भी हो सकती है, चोरी की भी हो सकती है ना। तो हाँ गाइस, अभी के लिए इसी वाली बाइक को लेकर मैं जाने वाला हूँ सीधा मिलिट्री बेस में। वहां पर जो मिलिट्री के रिक्रूट्स की ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उसके अंदर मुझे बस जाकर ज्वाइन करना है और उनको बताना है कि भाई मुझे जगह चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, ये ना कुछ ज्यादा ही बन रहा है बेटा, रुक जाओ। ऑडी लिया है और मेरे कपड़े देखकर समझ रहा है कि मैं इसको कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, तू जरा बाहर निकल, ऐसी की तैसी उठ बेटा। अब देखते हैं कि क्या करता है, मारेगा या फिर भागेगा। वाह भाई, बंदा अपनी गाड़ी छोड़ के लिटरली भाग गया। अबे एक सेकंड यार, यहाँ पे ना सबको लग रहा है कि मैं कोई चोर हूँ, लोग अपनी अपनी गाड़ियां भगा रहे हैं। लेट्स गो गाइस, इससे पहले दिक्कत हो जाए, फटाफट से मैं भी अपनी बाइक को लेकर यहाँ से निकलता हूँ।
वरना भाई वहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा था मेरा आउटफिट देखकर कि ये पक्का कोई गैंगस्टर है, सबकी गाड़ियाँ चुराने वाला है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के लिए बस मुझे अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाना है। हमें जाना है सीधा मिलिट्री बेस की उस जगह पर जहाँ पर नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग हो रही है। थोड़ी देर बाद मिलिट्री कर्नल वहाँ पर आएगा और बस उसी चांस का मुझे फायदा उठाना है और उससे बात करके मिलिट्री को ज्वाइन करना है। तो चलो गाइस, अभी के लिए मैं फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगाता हूँ और हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस के लिए। तो चलो गाइस, फाइनली मैं अपनी बाइक को लेकर उस जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर लॉस सैंटोस के मिलिट्री वाले नए मिलिट्री के रिक्रूट्स को रेडी करते हैं, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है और जितने भी यंग बंदे हैं यहाँ पर आकर मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं। बाकी वो देखो, सामने वाली साइड में आप लोगों को काफी मिलिट्री की गाड़ियां वगैरह दिख रही होंगी और वहां पर ना लिटरली बहुत सारे बंदे हैं। तो अब एग्जैक्टली मैं उनके बीच में कैसे जाकर ट्रेनिंग वगैरह करने वाला हूँ कोई आइडिया नहीं है। बट चलो गाइस, अभी एक काम करते हैं, जो मेरी वाली बाइक है उसको ना जरा मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोगों की नजर जाए कि इतनी खतरनाक बाइक लेकर ये बंदा आ रहा है और सीधा मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता है। बाकी सामने वाले साइड में मुझे सच में बहुत ज्यादा बंदे दिख रहे हैं भाई, और देखो इनकी कितनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग चल रही है। पता नहीं, शायद मुझे ना यहाँ पर आगे वाले साइड में जितने भी मिलिट्री के हेड इंचार्ज खड़े हैं इनसे बात करनी पड़ेगी और यही मुझे कुछ बताएंगे। बाकी एक सेकेंड, भाई आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि ये मिलिट्री है, मेला नहीं है जो तुम यहाँ पे घूमते हुए आ रहे हो, अगर घूमना है तो गार्डन में जाओ। बाकी इस टाइम पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आने में इतनी ज्यादा देर कैसे हो गई। मैं ना बाइक से आया था और बाइक थोड़ी सी खराब हो गई थी, बट मुझे भी ज्वाइन होना है भाई साहब। यार मिलिट्री का इतना गंदा बिहेवियर है क्या? पता नहीं जो सच में गरीब लोग हैं उनके साथ में लोग क्या करते होंगे, खतरनाक ही है। बाकी इस टाइम पर ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे मुझे पहली बार देख रहे हो, आगे से ऐसी गलती हुई ना पानी में ले जाकर मारूंगा भाई साहब। चलो गाइस ठीक है, आते थोड़ी सी पिटाई हो गई। बाकी अभी के लिए मुझसे कह रहा है कि वहाँ पर जाओ और सीधा पुशअप्स मारना शुरू करो, और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें 100 पुशअप मारने पड़ेंगे भाई साहब। बाकी इसने मुझे बताया कि थोड़ी देर में मिलिट्री कर्नल सर आने वाले हैं, तो इससे पहले वो आए हमें ना ट्रेनिंग में फुल ऑन एंगेज दिखना है। ओके, तो यहाँ पर भाई जितने भी बंदे लाइन में खड़े हैं ये लोग शायद वो हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मुझे भी ना इसी लाइन में घुसना था, बट जब तक वो सामने वाला मुझे देख रहा है ना पूरी अकड़ से, तब तक तो मैं डायरेक्ट इस लाइन में नहीं जा सकता। ठीक है, अभी ट्रेनिंग मेरी यहाँ से शुरू होगी जहाँ पर मुझे इन बाकी बंदों की तरह ना पुशअप वगैरह मारने हैं। और भाई साहब ये लोग तो खतरनाक ही लग रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं इनसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। बट ठीक है, अभी अगर पनिशमेंट मिली है तो हमें पूरा तो करना पड़ेगा ही ना। तो चलो गाइस, अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पोजीशन मैंने ले लिया है, एंड लेट्स गो। फटाफट से हम लोग भी यहाँ पर पुशअप मारना शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं भाई माइकल कितनी देर में 100 पुशअप मार पाएगा। भाई ये मार भी पाएगा? मुझे नहीं लगता इससे 100 पुशअप हो पाएंगे। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि माइकल इनसे कॉम्पीट कर पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने आसपास में जितने भी बंदे हैं ये मिलिट्री का थर्ड या फिर फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे होंगे और उसके बावजूद ये लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। बाकी भाई वो देखो, वो अकड़ू इंचार्ज यहीं पर आ रहा है, पक्की बात है वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए आएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर अभी पुशअप मारता हूँ। पुशअप मारने के बाद शायद पीछे जितने भी बंदे डंबल्स और रॉड वगैरह उठा रहे हैं शायद मुझे भी वो काम करना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ पर आ चुका है और वेट, ये कह रहा है कि तुम बहुत स्लो पुशअप मार रहे हो और तेज मारो, मिलिट्री कर्नल को दिखना चाहिए कि तुम मेहनत कर रहे हो। भाई साहब यार मैं मिलिट्री में रिक्रूट नहीं होना चाहता हूँ, बट बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवा रहा है, कह रहा है कि अगर सपने बड़े हैं तो काम और हाथ दोनों जल्दी जल्दी चलाओ। भाई यार पता नहीं कितनी ट्रेनिंग होगी, बट ठीक है, आई थिंक 20-30 पुशअप तो बात करते करते में मैंने कर लिया है। देखते हैं भाई 100 पुशअप करते करते ना सच में हालत खराब होने वाली है। चलो गाइस, फाइनली माइकल के यहाँ पर 98 पुशअप्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये लो भाई एक और पुशअप माइकल, कम ऑन, डन। भाई साहब फाइनली 100 पुशअप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और एक सेकेंड, इस टाइम पर ये मुझे कह रहा है कि अब तुम रुक सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ। बाकी वेट, ये कह रहा है कि ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पीछे वाली साइड में जितने भी लोग डंबल्स उठा रहे हैं उनके साथ जाओ और वहां पर जाकर डंबल उठाने की ट्रेनिंग शुरू करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, मिलिट्री कर्नल आने वाला है। अरे यार भाई साहब ठीक है, अभी चलते हैं। माइकल की हालत देखो भाई, 100 पुशअप इससे मरवाए हैं, पूरी हालत खराब हो चुकी है। एक तो माइकल को आदत भी नहीं है इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने की। बाकी सच में भाई यहाँ पर जितने भी मिलिट्री के बंदे हैं पता नहीं कितनी खतरनाक ट्रेनिंग करते होंगे। और वो देखो बैट लेके मेरे पास आ रहा है। ठीक है भाई, मैं भी यहाँ पे ना डंबल्स उठाना शुरू करता हूँ। डन, मैंने यहाँ पर डंबल्स ले लिए हैं एंड अभी ट्रेनिंग मेरी भी शुरू हो चुकी है। मेरे आगे भी काफी बंदे हैं, पीछे भी बंदे हैं और ये बंदा भी देखो भाई सभी को देख रहा है। आसपास लिटरली बहुत सारे बंदे हैं बट सभी अपनी अपनी ट्रेनिंग वगैरह में लगे हुए हैं। तो चलो गाइस देखते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग मुझे और कब तक करनी है, उसके बाद मिलिट्री कर्नल कब तक आएगा। यार हम लोग लिटरली यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं, वही अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब जब तक ये ट्रेनिंग होगी करते हैं। वैसे भी यही एक रास्ता है
जिससे कि हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर जा सकते हैं। भाई साहब पता नहीं और कितनी देर इन डंबल्स को उठाना पड़ेगा। माइकल की हालत सच में यहाँ पे ना खराब हो रही है, मतलब हर बार लड़ने से खराब होती है हालत अपनी, लेकिन इस बार लड़ने की ट्रेनिंग लेने से हालत खराब हो रही है। बाकी पता नहीं यार जिस मिलिट्री कर्नल से हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं वो कब तक यहाँ पर आएगा, और जो ये अकड़ू इंचार्ज है भाई ये भी अभी भी यहीं पर बैठा हुआ है। अब यार कर भी कुछ नहीं सकते, जब तक मिलिट्री कर्नल यहाँ पर नहीं आ जाता ना और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हाँ यार तब तक के लिए तो मुझे इन वेट्स को उठाना पड़ेगा। बाकी वेट, सामने वाली साइड से ना एक मिलिट्री की गाड़ी तो आई है, क्या ये मिलिट्री कर्नल है? पता नहीं। बाकी एक सेकंड गाइस, सामने वाली ना उस गाड़ी में से एक बंदा तो उतरा है, और रुको इंचार्ज का ध्यान ना अभी दूसरे बंदों पर है, मैं एक बार अपने फोन के कैमरे से जूम इन करके देखता हूँ। ओके तो शायद यही नया मिलिट्री कर्नल है जिसको बिग माफिया के भाई ने अपॉइंट कराए, और ये देखो इस टाइम पर जितने भी मिलिट्री के बंदों की लाइन है ना उन सबके पास यहाँ पर आ रहा है और एक एक करके इनको चेक कर रहा है। ऑल राइट, तो देख कर लग रहा है कि यही मिलिट्री कर्नल है। किसी भी हालत में यार मुझे इसके पास ना जाना पड़ेगा और जाकर उससे बातचीत करनी पड़ेगी। बाकी डायरेक्टली मैं नहीं जा सकता, लेकिन देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये अकड़ू इंचार्ज मुझे ऐसे देखता रहेगा तो मैं जाऊंगा कैसे भाई साहब? बाकी वो देखो गाइस अभी भी वो नया मिलिट्री कर्नल पूरी की पूरी मिलिट्री के बंदों की लाइंस को चेक कर रहा है, और शायद वो उनमें से ना नए रिक्रूट्स को सिलेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ओके मैं ना थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ जिससे कि इस अकड़ू इंचार्ज को ज्यादा कुछ डाउट ना हो, और वो देखो अभी भी वो मिलिट्री कर्नल वहीं पर है। ओके अकड़ू इंचार्ज का ध्यान नहीं है, तो गाइस लेट्स गो, अभी आराम से इन वेट्स को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वो देखो वहां पर ना वो लाइन को चेक कर रहा है। एक सेकेंड, वो वापस जा रहा है क्या? भाई नहीं, अगर वो वापस गया ना दिक्कत हो जाएगी। वेट भाई, वो तो जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है, भागकर मुझे जाना ही पड़ेगा और उसकी गाड़ी के सामने बैठ जाऊंगा भाई, कुछ भी कर लूंगा, रोने लगूंगा, लेकिन नहीं भाई किसी भी हालत में जाने दूंगा। सर रुक जाओ, मुझे कैसे भी मिलिट्री ज्वाइन करना है सर, मेरी फैमिली बहुत गरीब है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लीज कैसे भी करके मुझे मिलिट्री के अंदर ले लो। भाई साहब जो मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी है उसके लिए भी मैं कितनी ओवर एक्टिंग कर सकता हूँ। बाकी गाइस रुको, ये यहाँ पे कह रहे कि अरे इतना सैड क्यों, तुम उठ जाओ बात करो, मुझे बताओ क्या सीन है। ओके गाइस, तो भी मेरी बात इस नए वाले मिलिट्री कर्नल के साथ में हो चुकी है जिसे यहाँ पर बिग माफिया के भाई ने अपॉइंट करा था, और मैंने यहाँ पर उसको अपनी एक काफी सैड स्टोरी सुनाई है जो कि बिल्कुल ही फेक है, कि कैसे मेरी फैमिली में कोई नहीं है और कैसे भी करके मिलिट्री मेरा एक आखिरी ऑप्शन है, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और मैं काफी मोटिवेटेड भी हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे बस अपनी कंट्री को सर्व करना है, और इसके लिए कैसे भी करके मैं मिलिट्री के अंदर आना चाहता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर उसको ये भी बोला कि देखो वैसे ना मैं नया यंग रिक्रूट हूँ, लेकिन मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह लिया है, मैं पहले काफी सारी गैंग वगैरह में काम करता था, इसी वजह से मुझे गन चलाना भी आता है। अगर आपके पास कोई हायर रैंक मिशन है मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी जान देने के लिए तैयार हूँ, आप बस कैसे भी करके मुझे मिलिट्री में ले लो। ओके तो इस टाइम पर ये कह रहा है कि ठीक है तुम एक काम करो, 15 मिनट से ना मिलिट्री बेस के अंदर आना, गार्ड्स तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम अंदर आ सकते हो, मेरे पास एक काम है जो कि तुम कर सकते हो। ओके भाई शायद अपना काम बन चुका है, हालत काफी खराब हो गई ट्रेनिंग के बाद में, लेकिन जो मिलिट्री कर्नल आया था उसने रिक्रूट्स को चेक करा, उसने किसी को सिलेक्ट करा नहीं करा पता नहीं, लेकिन वो मुझे बोलकर गया कि 15 मिनट के बाद मिलिट्री बेस में आना, मैं तुम्हें एक ऐसा मिशन दूंगा जो कि शायद तुम कर सकते हो, और अगर उस मिशन को कर लिया तो तुम मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो। भाई साहब मुझे लग रहा है कि अपना काम बन जाएगा। बाकी उसने मुझे ये भी बोला कि थोड़ा सा सोच समझ कर आना, क्योंकि मिलिट्री मजाक नहीं है और हो सकता है कि तुम्हारा पहला मिशन ही काफी खतरनाक हो। अब उसने एग्जैक्टली ऐसा क्यों बोला पता नहीं, बट रुको गाइस अभी ना पीछे वाली साइड में किसी का भी ध्यान नहीं है और अपना काम बन चुका है। डायरेक्टली इस नए मिलिट्री कर्नल ने जो कि बिग माफिया के भाई का बंदा है उसने मुझे बुलाया है बेस के अंदर, तो शायद अपना काम बन सकता है। रुको मैं ना अभी के लिए पुलिस कैप्टन को फोन करता हूँ और उसको बताता हूँ कि अभी एक्जैक्टली क्या हुआ है और कैसे मुझे मिलिट्री बेस के अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है। डन गाइस, तो भी मेरी बात पुलिस कैप्टन के साथ में हो चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट वगैरह मैंने आपको दे दिया है और बता दिया कि देख भाई अपना काम यहाँ पर हो चुका है, और इस टाइम पर मिलिट्री कर्नल ने डायरेक्टली मुझे परमिशन दे दिया है अंदर जाने की। तो अभी पुलिस कैप्टन भी सेम चीज कर रहा है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, सीधा अंदर जाओ, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। जिस बंदे को हमें मारना है, जिसका गेम खत्म करना है और जिसको रिप्लेस करके हमें अपने पुराने मिलिट्री कर्नल को वापस लाना है, उसने हमें सामने से बुलाया है। तो हाँ भाई किसी भी हालत में इस वाली अपॉर्चुनिटी को तो मैं मिस नहीं करने वाला। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, अभी ना मुझे मिलिट्री बेस जाना है और उसका रास्ता ना यहीं पर से पड़ेगा, तो लेट्स गो, अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को भगाता हूं और हम लोग निकलते हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपनी बाइक को लेकर फाइनली मिलिट्री बेस से पहुंचने वाला हूं। बाकी मिलिट्री बेस ऊपर ही है, लेकिन यहां पर सीधे रास्ते से पहुंचने के लिए काफी लंबा घूमना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं यहीं पर से शॉर्टकट मारते हैं। ऑल राइट, तो अपनी मैं बाइक को लेकर ऊपर आ चुका हूं, एंड ओके अभी भी सामने वाले साइड में वही सेम सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि पिछली बार मैं नॉर्मली घुसने का ट्राई कर रहा था, लेकिन इस बार
जो नया मिलिट्री कर्नल है उसने डायरेक्ट मुझे ऑर्डर दिया है, तो अभी जल्दी से एक बार इस बंदे से बात कर लेते हैं और इनको बोलकर बैरियर्स वगैरह भी खुलवा लेते हैं। चलो गाइस, तो अपना काम यहाँ पर हो चुका है। ये जो मिलिट्री का बंदा है फिलहाल इसने अपने लिए बैरियर को खोल दिया है और ये कह रहा है कि हम लोग डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं। और इसने मुझे अलग से ये भी बताया कि मिलिट्री कर्नल ने डायरेक्टली मुझे उनके हैंगर के साइड में बुलाया है और उन्हें मुझसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है। वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि 15 मिनट के अंदर मिलिट्री बेस आना, मैं तुम्हें कुछ मिशन वगैरह देने वाला हूँ। अब पता नहीं यार वो क्या देगा, बट चलो गाइस अपना काम यहाँ पर हो चुका है और अभी हमें परमिशन मिल चुकी है अंदर जाने की। भाई साहब देख रहे हो कितने खतरनाक तरीके से गन पॉइंट वगैरह करके इन लोगों ने रखी हुई है, बट अब कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अपना मेन काम था मिलिट्री बेस के अंदर आने का और पता लगाने का कि जो नया मिलिट्री कर्नल है वो कौन है। और ये काम अपना डन हो चुका है, फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर आ चुके हैं और अब हम लोग काफी क्लोज हैं एक ऑफिशियल मिलिट्री सिक्योरिटी गार्ड बनने के। तो लेट्स गो। अभी जैसा कि मुझे उसे बाहर वाले मिलिट्री के बंदे ने बताया, हमें जाना है सीधा एयरपोर्ट के उनके पर्सनल हैंगर पे और वहीं पर अपना मिलिट्री कर्नल वेट कर रहा होगा। बाकी एक सेकंड, यहाँ पर भी ना काफी सारे गार्ड्स वगैरह घूम रहे हैं लेकिन हमें इनसे कोई काम नहीं है। लेट्स गो। इस टाइम पे हम लोग आ चुके हैं मिलिट्री बेस के मेन एयरपोर्ट एरिया पे और ये देखो गाइस यहाँ पे कितने सारे मिलिट्री के टैंक्स और नए एडवांस मॉडर्न टैंक्स खड़े हुए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीजें तब देखी थी जब हम लोग अपने मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए आए थे, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे मिलिट्री कर्नल से मिलना है। और वेट, सामने वाले साइड में ना शायद वो मुझे देख चुका है और ये यहाँ पर ना काफी सारे मिलिट्री के बंदों के साथ में खड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, जो अपनी वाली नाइटब्लेड की बाइक है इसको ना फिलहाल के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं जा रहा हूँ पहली बार मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए। एंड मैंने इसको यही बताया कि मैं काफी गरीब फैमिली से हूँ और मुझे किसी भी हालत में मिलिट्री के अंदर जॉब चाहिए, तो हाँ भाई उसका डिसिप्लिन, उसकी रिस्पेक्ट, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। ओके, सामने वाले साइड में मुझे अपना नया वाला मिलिट्री कर्नल देख चुका है और पता नहीं इसने एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। मुझे लगा था कि कुछ मुझसे एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाएगा या फिर पर्सनल ट्रेनिंग करवाएगा, बट लेट्स गो। अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और वेट, यहाँ पे ना मुझे आसपास काफी सारे मिलिट्री के वेपन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं और उसके अलावा काफी मिलिट्री के बंदे भी हैं। पता नहीं क्या सीन है, बट रुको गाइस एक बार जाकर मैं इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इसने मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों बुलाया है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात इस नए मिलिट्री कर्नल के साथ में हो चुकी है जिसे बिग माफिया के भाई ने अपॉइंट करवाया है और ये फिलहाल मुझसे कह रहा है कि माइकल आज तुम्हारा मिलिट्री बेस के अंदर पहला दिन है और तुम्हारा स्वागत भी है, लेकिन इसने मुझे बताया कि मिलिट्री वाले बंदों के साथ में एक काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। ये कह रहा है कि पलिटो में कुछ माउंटेन्स हैं जिनके ऊपर लॉस सैंटोस की मिलिट्री की ना काफी बड़ी चेक पोस्ट है, लेकिन आज उस चेक पोस्ट पे काफी बड़ा टेररिस्ट का अटैक हुआ है जिसमें लॉस सैंटोस के काफी मिलिट्री वाले मारे गए हैं। बाकी इस टाइम पर ये मुझसे कह रहा है कि माइकल वहां पे ना बहुत ही कम मिलिट्री वाले बंदे बचे हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग उस माउंटेन के वॉर को हार जाएंगे और लॉस सैंटोस के पलिटो का माउंटेन उन टेररिस्ट के हाथ में लग जाएगा। भाई ये सब कुछ एक्चुअल में हो रहा है या फिर ये सब कुछ स्टोरी मुझे बनाकर बता रहा है? जैसा कि इसने कहा बहुत सारे मिलिट्री के बंदे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और इसी वजह से आज के आज ये लोग वहां पर ना बहुत सारे नए रिक्रूट्स को भेज रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जैसे ही मिलिट्री के जितने भी नए रिक्रूट्स हैं जैसे ही वो इस मिशन के बारे में सुनते हैं कि टेररिस्ट को मारने के लिए जाना है और पलिटो माउंटेन पे बहुत सारे टेररिस्ट हैं, तो जितने भी नए रिक्रूट्स हैं वो इस मिशन को करने से मना कर रहे हैं। बाकी इस टाइम पर ये कह रहा है कि माइकल अगर तुम्हें मिलिट्री के अंदर आना है तो मैं तुम्हें मिशन देता हूँ, पलिटो के माउंटेन पर जाओ, वहां पर जितने भी टेररिस्ट हैं उन्हें खत्म करो और उन टेररिस्ट ने लॉस सैंटोस के मिलिट्री वालों के बहुत सारे वेपन्स के बॉक्सेस भी चुरा लिए हैं, साथ ही में वो लोग उसे कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये चाहता है कि हम लोग जितना जल्दी हो सके वहां पर जाएं और इससे पहले उस माउंटेन के ऊपर टेररिस्ट टेक ओवर कर लें या फिर मिलिट्री के सारे बंदे मारे जाएं, हमें उन टेररिस्ट को रोकना पड़ेगा। भाई साहब पहला ही मिशन ये काफी खतरनाक दे रहा है, बट ये इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल अगर तुमने ये मिशन कर दिखाया ना तो मैं तुम्हारी गारंटी देता हूँ कि तुम मिलिट्री के अंदर आ जाओगे, साथ ही मैं तुम्हें मिलिट्री का सीधा एक हायर रैंक्ड गार्ड बना दूंगा। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी गाइस मुझे नहीं लगता मैं मिलेगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस मिशन को कर लिया हम मिलिट्री के अंदर भी आ जाएंगे और साथ ही साथ इस बंदे के साथ डायरेक्टली काम करेंगे, इसे मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, फटाफट से मैं बोल देता हूँ कि ठीक है मैं इस मिशन को करने के लिए तैयार हूँ, लोकेशन वगैरह ले लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। डन गाइस, तो अपना काम हो चुका है, इस नए मिलिट्री कर्नल ने जो खतरनाक मिशन हमें दिया है वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, साथ ही में इस बंदे ने मुझे पलिटो माउंटेन की वो वाली लोकेशन दे दिया है जहां पर अपनी मिलिट्री की चेक पोस्ट थी, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर कुछ टेररिस्ट ने आके टेक ओवर कर लिया है।
बाकी ये कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी कुछ मिलिट्री वाले जिंदा हैं, तो हाँ हम लोग उनसे जाकर बात कर सकते हैं, सिचुएशन का अपडेट वगैरह ले सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग पूछ सकते हैं कि किस तरफ से अटैक वगैरह करना बेटर होगा। बाकी अभी के लिए इसने मुझे कहा कि माइकल ये तुम्हारा पहला ही मिशन काफी खतरनाक है, तो हाँ इसके लिए ये लोग मुझे मिलिट्री का एक प्रॉपर आर्मर, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सब कुछ देने वाले हैं। तो उसने मुझे कहा कि पीछे वाली साइड में जो एक बंदा मिलेगा, ओके शायद उसी बंदे की वो बात कर रहा था, तो लेट्स गो अभी मैं फटाफट जाता हूँ और ये जो बंदा है यही मुझे कोई यूनिफॉर्म वगैरह देगा। डन गाइस, तो अपना काम यहाँ पर हो चुका है। जो इस बंदे ने मुझे मिलिट्री की यूनिफॉर्म दी थी वो मैंने पहन लिया है, और फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो कि माइकल इस मिलिट्री की यूनिफॉर्म में सच में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई साहब, मैं माइकल को पहली बार मिलिट्री की यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ और सच में भाई काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये बंदा। बाकी उसके अलावा इन लोगों ने ना मुझे यहाँ पर कुछ गन्स वगैरह दिए हैं, तो ये देखो भाई ये जो मिनी गन है वो मिलिट्री वाले बंदों की है, तो हाँ अपने बैग में इसका काफी सारा एमओ वगैरह भी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी उसके अलावा जो अपने पास नॉर्मल असॉल्ट राइफल होती है वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इसी के साथ में इन लोगों ने मुझे एक गोल्डन प्लेटेड मशीन गन दिया है। भाई साहब ये ना सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है। बाकी उसके अलावा उस मिलिट्री कर्नल ने मुझे ये भी बताया कि हम लोग ना खुद की बाइक या फिर कार से नहीं जाने वाले हैं, बल्कि उस जगह पे क्योंकि अभी पूरा का पूरा वॉर का माहौल हो रखा है और वहां पे वो लोग गाड़ियों के सिग्नल वगैरह को भी ट्रैक कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये लोग मुझे ना एक स्पेशल गाड़ी देंगे और उस गाड़ी का यूज करके मुझे वहां पर जाना है। तो चलो गाइस, फिर से एक बार मेरी बात मिलिट्री कर्नल के साथ में हो चुकी है और ये कह रहा है कि माइकल जिस गाड़ी के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था वो तुम्हें लेफ्ट वाली साइड में मिल जाएगी, और उस गाड़ी के ऊपर ना एक अलग से टेक्नोलॉजी कह लो या फिर एक गैजेट लगा हुआ है जिससे कि वो गाड़ी ना किसी भी रेडार सिग्नल पे ट्रेस नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ पर इसको सल्यूट मार दिया है बोलकर कि सर पहला मिशन है, गुड लक बोल दो, क्योंकि ये मिशन कंप्लीट करने के बाद तो मैं आपको मारने वाला हूँ। बाकी ठीक है, अपना काम यहाँ पर हो चुका है, इसको मैंने सल्यूट कर दिया है और इसने भी मुझे यहाँ पर गुड लक बोल दिया है। बाकी गाइस चलो, अभी टाइम आ चुका है माइकल का एज अ मिलिट्री मैन पहला मिशन करने का, और ये मिशन ही ना सच में काफी खतरनाक है। मैं सच में बता रहा हूँ, अगर मुझे इतनी ज्यादा खुद की पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होती ना और इतने ज्यादा खतरनाक लेवल के वॉर वगैरह करने का एक्सपीरियंस ना होता तो शायद मैं इस मिशन को मना कर देता, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई मिशन है, हमें उस मिलिट्री कर्नल को मारना है, खुद की जान नहीं गंवानी है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग अपने लॉस सैंटोस अपनी कंट्री है यार, कुछ तो कर ही लेंगे। बाकी ठीक है, सामने वाली साइड में ना मुझे वो वाली गाड़ियां दिख रही हैं जिनके अंदर शायद मुझे बैठकर जाना है, और ये देखो भाई ये सारे के सारे वही नए रिक्रूट हैं जिनको यहाँ पर मिलिट्री कर्नल ने बताया कि मिशन के लिए जाना है। बट भाई सारे के सारे बंदे इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि पहला मिशन ही इतना ज्यादा खतरनाक मिल जाएगा जिसमें कि पुराने वाले मिलिट्री के अपने जितने भी बंदे वहां पर थे सबके सब मारे गए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके तो शायद मुझे ना ये वाली गाड़ी वहां पर लेकर जाना है, और ये देखो इस गाड़ी के ऊपर कोई तो गैजेट वगैरह लगा हुआ है, तो इस गैजेट से ये गाड़ी किसी भी रेडार या फिर सिग्नल में ट्रैक नहीं हो पाएगी। तो चलो गाइस, अभी के लिए इस वाली गाड़ी के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, साथ ही में इस गाड़ी के अंदर ना एक हेलमेट भी है, तो हाँ जैसे हम लोग वहां पर पहुंचेंगे हम लोग एक हेलमेट भी पहन लेंगे। बाकी मिलिट्री कर्नल ने ये भी बताया कि माइकल अगर कोई दिक्कत आती है तो बैकअप के लिए यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है ना सारी की सारी आ जाएगी तुम्हारी मदद करने के लिए, बस एक फोन कॉल कर देना काम हो जाएगा। पर ठीक है, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे मुझे कोई बैकअप वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बट अगर पड़ी तो देख लेंगे यार। ठीक है भाई, फैंस वगैरह तोड़ के फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और अब टाइम आ चुका है जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाने का, पलिटो माउंटेन निकलने का। तो चलो गाइस, अभी के लिए हम लोग अपनी इस वाली गाड़ी को भगाते हैं और निकलते हैं सीधा पलिटो माउंटेन्स के लिए। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं इस मिलिट्री की गाड़ी को लेकर फाइनली उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे मिलिट्री कर्नल ने बताया था कि अपने लॉस सैंटोस के मिलिट्री की पहली चेक पोस्ट है। एंड ओके, शायद मुझे यहां से ना चेक पोस्ट दिख भी चुकी है, और वो देखो वहां पर काफी सारे टैंक और बहुत सारी एम्बुलेंसेस वगैरह भी हैं। भाई साहब पता नहीं यार कितने अपने मिलिट्री के बंदे वगैरह मारे गए हैं। बाकी वेट, यहां पर सामने एक बैरियर है तो शायद मुझे ना यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी इस एपी में से बाहर आ चुका हूँ, एंड अभी टाइम आ चुका है जरा आगे वाली साइड में जाने का और जाकर देखने का कि एग्जैक्टली यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ना वेट, एक मिलिट्री का बंदा तो एकदम ठीक है, बाकी ये देखो यहाँ पर भी एक मिलिट्री का बंदा है और इसकी हालत काफी खराब है। दूसरी वाली साइड में यहाँ पर भी एम्बुलेंस में कुछ पैरामेडिक के बंदे हैं जो कि इस मिलिट्री वाले बंदे से बात कर रहे हैं, और वेट भाई साहब सामने वहां पे और भी पैरामेडिक के बंदे हैं, चल क्या रहा है यहाँ पर। ओके, एक बार थोड़ा सा ना अंदर जाकर देखते हैं। ये देखो गाइस, पता नहीं यार कितने मिलिट्री के बंदे हैं जो कि यहाँ पर थक हार कर पड़े हुए हैं और कितने इनको चोट वगैरह आई है। बाकी वेट भाई साहब, यहाँ पर एक मिलिट्री के बंदे की पूरी बॉडी को इन लोगों ने काट के पीसेस में अलग कर दिया है, और कुछ मिलिट्री के बंदे जो कि टेररिस्ट से लड़ते टाइम मारे गए उनकी बॉडीज को यहाँ पर बैग्स वगैरह में रखा हुआ है। बाकी ये देखो यार, यहाँ पर भी पता नहीं अपने कितने लॉस सैंटोस के मिलिट्री वाले हैं जिनका फ्यूनरल वगैरह होगा, तो हाँ उनके लिए भी कॉफिन वगैरह एकदम रेडी है, सब कुछ यहाँ पर पैरामेडिक के बंदे संभाल रहे हैं, और कुछ मिलिट्री के बंदे ऐसे हैं जो कि अभी अभी शायद लड़कर आए हैं, और सच में यार सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी मुझे मिलिट्री कर्नल ने ये बताया था कि ये पलिटो के माउंटेन की पहली चेक पोस्ट है,
जो कि अभी भी अपने कंट्रोल में है। दो और चेक पोस्ट हैं और वो दोनों के दोनों टेररिस्ट ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। तो हाँ यार, उन्हें हमें जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा और वहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। बाकी रुको गाइस, एक बार यहाँ पर जो बंदा है ना, एक बार मैं से बात कर लेता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि भाई आप ये बैरियर को खोल सकते हो, क्योंकि मुझे अपने एपीसी को लेकर आगे जाना है और मैं ही वो बंदा हूँ जिसे मिलिट्री कर्नल ने भेजा है। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात इसे मिलिट्री के बंदे के साथ में हो चुकी है और इससे बात करके मैंने वो जो बैरियर था उसे भी ऊपर करवा लिया है। बाकी मैंने यहाँ पर से पूछ कर देखा कि सिचुएशन कैसी है, तो ये कह रहा है कि इनके जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री गार्ड्स थे सब के सब मारे गए और इन दी एंड वहाँ पर जो कॉफिन रखा हुआ है वो भी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे कॉफिन थे जो कि इस टाइम पे एम्बुलेंस के अंदर हैं। तो भाई साहब, इसका मतलब मिलिट्री कर्नल सच कह रहा था, जो टेररिस्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बाकी इस टाइम पर ये मुझे कह रहा है कि तुम यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो तुम्हें कुछ रेडियो टावर्स वगैरह दिख जाएंगे, मतलब जस्ट इस माउंटेन के ऊपर तुम्हें उन रेडियो टावर्स के दूसरी वाली साइड में दोनों की दोनों चेक पोस्ट दिख जाएंगी जो कि टेररिस्ट ने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए हैं। ओके, तो शायद वही दो चेक पोस्ट हैं जिन्हें हमें अपने कंट्रोल में वापस लेना है। बस एक बार हम लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया ना, फिर हम लोग मिलिट्री को उनके चोरी करे गए वेपन्स वगैरह लौटा सकते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। बाकी रुको गाइस, अभी एक काम करते हैं, फटाफट से ना मैं इस वाले एपीसी के अंदर जाता हूं और इसके अंदर जो मेरा हेलमेट है अब शायद टाइम आ चुका है उसको भी पहनने का, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि टेररिस्ट भी लाइव मेरी शक्ल देख लें। बाकी भाई साहब, सच में यार यहाँ का ना सीन कुछ ज़्यादा ही खराब है, बट लेट्स गो, अभी जल्दी से इस वाली गाड़ी को लेकर मैं ऊपर चलता हूँ। जैसा कि मुझे कर्नल ने बताया था, इस गाड़ी को गलती से भी टेररिस्ट वाले बंदे ट्रैक नहीं कर सकते। ओके, वो रहे ऊपर रेडियो टावर जहाँ पर हमें जाना है। तो चलो गाइस, अभी जो अपनी वाली एपीसी है इसको लेकर डायरेक्ट ऊपर चलते हैं। भाई गाड़ी देख रहे हो कितनी सही दी है, मतलब किसी भी माउंटेन पर इजीली चढ़ सकती है, बहुत ज्यादा सही काम करा है। ओके, तो अभी मैं इस वाली गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। वेट, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि हाइकिंग करने के लिए आए हैं, शायद इन्हें पता नहीं है कि नीचे मिलिट्री की चेक पोस्ट है जो कि अंडर कंट्रोल है टेररिस्ट के। ओके, सामने वाले साइड में ना एक चेक पोस्ट मुझे दिख चुकी है और शायद एक चेक पोस्ट, ऑल राइट, वो देखो नीचे भी एक चेक पोस्ट है और सामने वाले साइड में भी एक चेक पोस्ट है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने बायनोकुलर्स निकालता हूँ एंड इससे एक बार हम लोग देखने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट है वो कौन। वेट भाई, ये वही बंदे हैं ना जिन्होंने कुछ एपिसोड पहले हमारे ऊपर अटैक करा था जब हम लोग कोर्ट से बाहर आ गए थे, ये टेररिस्ट है। वेट, मिलिट्री कर्नल ने मुझे यही बताया ना कि एक चेक पोस्ट अपने कंट्रोल में है और नीचे वाले बंदे ने भी यही कहा कि बाकी की जो बची हुई दो चेक पोस्ट हैं उन पे अपने बंदे नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं। तो क्या इसका मतलब जिन बंदों ने अपने ऊपर कोर्ट के बाहर अटैक करा था वो मिलिट्री के सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं? तो ये लोग डायरेक्टली मेरे पीछे क्यों आए थे? वो देखो गाइस, सेकंड चेक पोस्ट, तो भाई साहब उस पे और भी ज्यादा टेररिस्ट हैं और वो पूरी की पूरी इनके कब्जे में है। सेकंड चेक पोस्ट में इनके मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं और मिलिट्री की कुछ गाड़ियां हैं और जो इनकी पहली वाली चेक पोस्ट है इसमें मुझे कुछ मिलिट्री के वेपन्स वगैरह दिख रहे हैं बट काफी कम है। तो इसका मतलब सेकंड चेक पोस्ट पे बाकी के वेपन्स होंगे। यार तो इसका मतलब मिलिट्री के सीक्रेट एजेंट्स ने हमारे ऊपर अटैक नहीं करा था बल्कि अपने ऊपर उन्हीं टेररिस्ट ने अटैक करा जो कि लॉस सैंटोस के मिलिट्री वालों को मार रहे हैं। और ये अटैक भी टेररिस्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो ओरिजिनल मिलिट्री कर्नल है वो अभी लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के पास में है। लेकिन इन्हें ये बात पता कैसे चली कि मिलिट्री कर्नल चेंज हो चुका है और चेंजेस के चलते मिलिट्री वीक है? भाई साहब पता नहीं यार, इनके पास कहीं से तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, मुझे नहीं पता क्या सीन है और हो भी सकता है कि इस चीज़ में भी बिग माफिया के भाई का हाथ हो। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, सबसे पहले मुझे नीचे वाली चेकपोस्ट पर जाकर अटैक करना होगा और यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं उन्हें खत्म करना होगा। इनको खत्म करने के बाद मैं मिलिट्री को सिग्नल दे दूंगा कि एक चेकपोस्ट क्लियर है, फिर मुझे सेकंड चेकपोस्ट को भी टेक डाउन करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, इस पर ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले मैं अपने एपीसी के अंदर बैठ जाता हूं और जैसा कि मैंने कहा हेलमेट पहन लेते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता कि और टेररिस्ट वगैरह मुझे देख लें। ऑलरेडी इन लोगों ने एक बार मेरे ऊपर अटैक करा था लेकिन इस बार पूरे बंदों को मार कर जाऊंगा। चलो गाइस, टाइम आ चुका है जरा टेररिस्ट से भी अपना बदला लेने का। नीचे वाली साइड में ना मुझे काफी सारे टेररिस्ट दिख रहे हैं जिन्हें अभी कोई आइडिया नहीं कि उनके साथ में क्या होने वाला है। तो चलो फिलहाल अपनी वाली एपीसी को लेकर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अभी तक किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं करा, ये अच्छी बात है। डन, फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर छोड़ दिया है और ये देखो मेरा जो हेलमेट था वो भी मैंने पहन लिया है। अभी एक काम करते हैं, जो मिलिट्री ने मुझे गोल्ड प्लेटेड मशीन गन दिया ना इसी का यूज करने वाला हूँ, उन वाले बंदों को हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी रुको, अभी आराम से यहाँ पर मैं कवर ले लेता हूँ। ओके, काफी बंदे हैं तो अपना काम शुरू करते हैं। तुम्हारी भैंस की टांग निकली वहां से, आ जाओ बेटा, मैं भी देखता हूँ भाग कर रहे हो तुम्हारी ऐसी की। ओके भाई, अब ये लोग ना फाइनली गन वगैरह लेकर आ रहे हैं। टेररिस्ट हो, मुझे लगा था ये लोग मिलिट्री के सीक्रेट एजेंट्स हैं, बट भाई छोटे मोटे बंदे हैं। लेट्स गो, एक एक करके सबको मारते हैं। तू का देख रहा है बेटा, ठीक है, काफी बंदों को मैंने यहाँ पर मार दिया है। और भाई साहब कुछ बाइक्स वगैरह भी इनके पास,
सीन तो खतरनाक था। बाकी वेट, मुझे लगा नहीं था कि इतनी इजीली ये सारे टेररिस्ट मर जाएंगे, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि यहाँ पर ज्यादा टेररिस्ट नहीं थे, सिर्फ 6-7 टेररिस्ट थे, और ये मशीन गन इतनी ज्यादा पावरफुल है बहुत ही कम टाइम में इनका गेम तो ओवर हो चुका है। लेकिन असली दिक्कत गाइस सामने वाली चेक पोस्ट पे है, क्योंकि एक बार यहाँ से मैं आपको ना बायनोकुलर से दिखाता हूँ। वो देखो भाई, वहां पर लिटरली बहुत सारे बंदे हैं, पता नहीं उनके पास कितने के वेपन्स वगैरह हैं, बट हाँ उनसे फाइट लेने में हालत खराब होगी। ठीक है, मुझे ना पहले वहां पर पहुंचना है। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी, वो देखो वहां पर भी एक चेक पोस्ट है, मुझे उसे भी ना क्लियर पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसे क्लियर करे बिना वहां गया ना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं गाइस, जो अपना वाला एपीसी है उसको ना मैं यहीं पर रहने देता हूँ, और मिलिट्री वाले बंदों को ना मैं बाद में सिग्नल देकर बता दूंगा कि एक चेक पोस्ट क्लियर हो चुकी है, तो हाँ बाद में वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी देखो यहाँ पर भी मिलिट्री के वेपन के बॉक्सेस वगैरह रखे हैं और काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए टाइम आ चुका है सेकंड चेक पोस्ट को टेक डाउन करने का, और उसके लिए मैं एपीसी लेकर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर से चुपचाप एकदम पैदल जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है ना तब तक मुझे कोई नोटिस कर नहीं पाएगा। मिलिट्री के यूनिफॉर्म का यही फायदा है, मिलिट्री हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो हाँ सोचना भी एक प्रॉपर मिलिट्री कमांडो की तरह ही पड़ेगा। ओके, तो सामने वाले साइड में ना मुझे वो चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, और अभी तक उनमें से किसी का भी ना ध्यान गया नहीं है। वेट, मैं यहाँ पे फिर से एक बार अपने बायनोकुलर्स निकालता हूँ, और अभी हम लोग देखते हैं। ओके, वो लोग ना दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो अगर मैं इस साइड से जाऊंगा शायद मेरा काम बन जाएगा। बाकी ऊपर तो बंदे हैं, लेकिन सामने भी एक और बंदा है, तो हाँ भाई उसको भी ना मुझे थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा। चलो गाइस, अभी टाइम आ चुका है फटाफट से थोड़ा धीरे करके आगे चलने का। बाकी ऊपर वाले साइड में ना मुझे काफी सारे मिलिट्री के बंदे दिख रहे हैं, उन्होंने अगर देख लेना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वेट यार, यहाँ पर ना मैं गोली नहीं चला पाऊंगा, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना एक नाइफ निकाल लिया है, बस जैसे तैसे करके एक बार मैं यहाँ पर पहुंच जाऊँ ना हो जाएगा अपना काम। ओके, तो अभी ऊपर जितने भी टेररिस्ट हैं उन्होंने मुझे देखा नहीं है, और नीचे वाले साइड में जो बंदा है उसको पहले मुझे टेक डाउन करना पड़ेगा। चलो गाइस, आई थिंक अपना काम बन जाएगा, लेट्स गो। अभी मैं काफी पास में आ चुका हूँ, और ये देखो दोनों का ध्यान नहीं है। वेट भाई साहब, ऊपर एक बंदा, उसने ऑलमोस्ट मुझे देख लिया था, बट आई थिंक उसने नहीं देखा। चलो गाइस अभी काम करते हैं, सबसे पहले तेरी बैस की टांग निकल यहाँ से। ओके, इस टेररिस्ट को मैंने मार दिया, और वेट भाई उसने गोली चला दी, किसी ऊपर वाले ने सुना तो नहीं ना। रुको गाइस एक बार देख लेते हैं, ऑल राइट शायद हम लोग सेफ हैं, तो लेट्स गो। अभी जल्दी से एक बार मैं भी ना ऊपर चढ़ता हूँ, और एक एक करके काम शुरू करता हूँ। तुम्हारी भैंस की टांग निकले यहाँ से। ओके, ये गया, और तेरी ऐसी की तैसी। चलो गाइस, ऊपर वाली साइड में जितने भी टेररिस्ट थे उनको मैंने मार दिया है, टाइम आ चुका है ऊपर वालों को मारने का। भाई साहब, अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी की भी नजर नहीं गई है, और ऑलरेडी मैंने काफी सारे टेररिस्ट वगैरह को मार दिया है। बाकी उनको मारने के लिए तो यार एपीसी ले जानी पड़ेगी, और कोई रास्ता भी नहीं है। डन गाइस, तो भागता हुआ मैं फाइनली अपने एपीसी के पास में पहुंच चुका हूँ, जहां पर हम लोगों ने पहली चेक पोस्ट क्लियर करी थी, और अब टाइम आ चुका है इस एपीसी को लेकर सीधा वहीं पर जाने का जहां पर सेकंड मिलिट्री की चेक पोस्ट है। बस उसको क्लियर करना है और अपना ये मिशन डन हो जाएगा। बाकी सच में यार, अगर मैं मिलिट्री की गोल्ड प्लेटेड मशीन गन लेकर ना आता ना, तो पता नहीं मैं टेररिस्ट को कैसे मारने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा इन लोगों के पास इतने खतरनाक वेपन्स और आर्मर है कि मेरा आर्मर भी इन लोगों ने तोड़ दिया था। तो हाँ यार, कोई रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ मुझे वही वेपन यूज करने हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो अब टाइम आ चुका है जरा एक एक करके इन टेररिस्ट को बताने का। फिलहाल इन्हें लग रहा होगा कि मैं इन्हीं का बंदा हूँ, लेकिन नहीं बेटा, मैं तुम्हारा काम खत्म करने के लिए आया हूँ। ओके भाई साहब, मैंने अपना एपीसी से एक हेलीकॉप्टर कैसे ब्लास्ट हो गया, पता नहीं भाई। बेटर को ऑलरेडी इनको ना ट्रिगर हो चुके हैं, सबको समझ में आ चुका है कि मैं इनका बंदा नहीं हूँ। बेटर को एपीसी से थोड़ा काम करते हैं। भाई साहब, काफी सारे बंदे एक साथ बाहर आ रहे, तुम्हारी भैंस की टांग निकले ऐसे। चलो गाइस, काफी बंदे मैंने ऑलरेडी मार दिए हैं, और अभी एपीसी का कवर लेकर ही एक एक करके इन सारे बंदों को मारते हैं। चलो गाइस, फिलहाल के लिए मैंने अपनी मशीन गन बाहर निकाल लिया है, अब एक एक करके यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं उनको एक एक करके टेक डाउन करते हैं। ओके, अभी देखते हैं भाई आगे कितने। आ जाओ बेटा, अब तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे हेलमेट की भी ऐसी की तैसी, देखता हूँ बेटा तुम्हारी गन कितनी बुलेट प्रूफ है, देखते हैं। ओके वेट भाई, सामने वाले साइड में जितने बंदे ना, पहले एक एक करके इनको टेक डाउन करना पड़ेगा। और वेट, कोई पीछे से मार रहा है क्या, पता नहीं भाई, गोली चलती है तो लगता है, बट चलो गाइस अभी आगे चलता हूँ। बेटा तू कहाँ छुप रहा है। ओके, सामने भी और बंदे हैं, जितने बंदे इनके आज तो बेटा मैं तुम्हारे हेलमेट तोड़ूंगा, जितने गंदे तरीके से इन लोगों ने मेरे आर्मर तोड़ते ना वही सेम काम इनके साथ करना है। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ। और वेट भाई, अब गोली कहाँ से मार रहे हैं, सामने काफी बंदे हैं। रुको गाइस, इनको ना ऐसे ही मारना पड़ेगा, तुम्हारी भैंस की टांग निकलो यहाँ से। ओके, काफी बंदे मैंने टेररिस्ट जो थे उनको मार दिया है। और वेट, सामने से ना गोली चल रही है, एक सेकेंड, सही टाइम पे मैं नीचे कूद गया, वरना पता नहीं भाई उसके साथ में क्या सीन है। वेट, आगे एक और बंदा तो है, बट रुको, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन गाड़ियों को ना ब्लास्ट कर देता हूँ, ताकि अगर इनके पीछे कोई बंदा होगा ना तो वो पहले हट जाएगा। भाई साहब, चलो मैंने इनको भी ब्लास्ट कर दिया। तू कहाँ रहा है बेटा, काम मिशन का है, ज्यादा किसी को आने की जरूरत नहीं है। चलो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे कुछ गाड़ियां वगैरह ब्लास्ट कर दी, और वो देखो भाई कहाँ पर छुप कर बैठा था, बट डन, आई थिंक मैंने उसको भी मार दिया है। और वेट भाई, कितने और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पर। तो गाइस, फिलहाल देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट बचे थे ना, मैंने यहाँ पर सबको मार दिया है। बट वेट भाई, ये कहाँ से निकल कर आ गया, एक सेकंड,
भाई ये लोग माउंटेन के नीचे से आ रहे हैं या फिर क्या? वेट भाई, यहाँ पर और भी बंदे हैं क्या? रुको गाइस, एक बंदा मैं नीचे वाले साइड में जाकर देखता हूँ। भाई साहब, ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं? वेट, टाइम आ चुका है जरा लेजर गन निकालने का और इन सारे के सारे टेररिस्ट को बताने का तुम्हारी भैंस की टांग निकले यहाँ से। इसकी तो एक गोली लगती, इनका कुछ आर्मर हो नहीं संभाल पाएगा, लेजर सीधा बॉडी के आर्मर जाती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये बंदे आए कहाँ से। मुझे लग रहा है कि लोग ना दूसरे माउंटेन से आए या फिर यहाँ पे इनकी कोई और चेक पोस्ट तो नहीं है ना, पता नहीं भाई। चलो गाइस थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे जाकर मैं एक बार देखने का ट्राई करता हूँ कि सीन क्या। वेट भाई, आगे वाले साइड में भी और बंदे आ गए थे क्या? वेट, की कहाँ से आ रहे हैं? रुको भाई, इतने बंदे तुम्हारे भैंस की टांग। मैं यहाँ पर पूरा कमांडो वाला फिट लेकर आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि बंदे अंदर कैसे आए। वेट, कितने बंदे हैं भाई साहब? ये तो बंदी नहीं हो रहे। चलो गाइस, मैंने यहाँ पर ना और भी बंदों को मार दिया, बट एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ से ना दो बंदे और आ रहे हैं। तुम्हारी भैंस की टांग, निकलो यहाँ से। चलो गाइस, काफी सारे टेररिस्ट को मार दिया है बट अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ। ये देखो, दो और अंदर छिपे हुए थे, इनको भी मैंने मार दिया है। ओके, तो अभी शायद काम डन हो गया क्या? वेट, अबे ये कहाँ से आया? रुको यार, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या सीन है, बट बहुत सारे टेररिस्ट एकदम आखिरी के मोमेंट पे आ गए थे। ओके, अभी थोड़ी सी शांति लग रही है, आई थिंक अपना काम हो चुका है। फिलहाल कोई शूट नहीं कर रहा है ना? नहीं भाई, वो तो अच्छी बात यह कि मैं अपना पूरा का पूरा मिलिट्री का वेस्ट आर्मर पहन के आया था, वरना इनके पास जो गन्स वगैरह होती हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं, पता नहीं अपना क्या होता। चलो गाइस, आई थिंक अपना काम डन हो चुका है। मुझे फिलहाल ना किसी भी टेररिस्ट के गन चलाने की आवाज़ नहीं आ रही है और जितने भी टेररिस्ट थे भाई साहब, हमने सबको बहुत ज्यादा गंदे तरीके से मारा है। लेकिन ये देखो यार, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर अटैक करा था, और ये लोग टेररिस्ट हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। इसका मतलब अपने ऊपर मिलिट्री के सीक्रेट एजेंट ने नहीं बल्कि टेररिस्ट ने अटैक करा था भाई साहब। चलो गाइस, मैंने अपना काफी सारे टेररिस्ट को मार दिया है एंड आई थिंक अब मैं मिलिट्री कर्नल को फोन करके उन्हें बोल सकता हूँ कि वो अपनी मिलिट्री को यहाँ पर भेज देंगे और उसके बाद आराम से काम डन हो जाएगा। बाकी ठीक है, यहाँ पर ना काफी सारे मिलिट्री के गन्स वगैरह हैं, इनको मिलिट्री के बंदे बाद में आकर ले जाएंगे। मेरा काम है यहाँ पर उसको फोन कॉल करना, तो लेट्स गो, अभी जल्दी से उसको मैं एक बार फोन कॉल कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पर मिलिट्री कर्नल के साथ में हो चुकी है, मैंने यहाँ पर उसको सारा का सारा सीन वगैरह बता दिया है। लेकिन एक और दिक्कत हो चुकी है, मिलिट्री कर्नल ने मुझे बताया कि माइकल तुमने चेक पोस्ट तो क्लियर कर दिया है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस नहीं है जो कि इन टेररिस्ट ने एक कार्गो प्लेन में शिफ्ट करके यहाँ से निकाल दिया है, और वो जो कार्गो प्लेन है वो इस टाइम पे पलीटो बे के ऊपर से उड़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके मुझे इस पूरे के पूरे प्लेन को रोकना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग लॉस सैंटोस के बाहर निकल जाएं। और इसके लिए मुझे एक और प्लेन चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर हैं ना भाई, वो उतनी स्पीड कवर कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बंदा है जो इस काम में अपनी मदद कर सकता है और वो है अपना ड्राइवर। देखो, सैंडी शोर्स की जो एयरफील्ड है ना, यहाँ से काफी पास में है, तो मैं काम करता हूँ ड्राइवर को फोन करके बोल देता हूँ कि देख भाई, जितना जल्दी हो सके कैसे भी एक छोटे मोटे प्लेन का इंतजाम कर दे, बस उस प्लेन को लेकर मुझे जाना होगा पलीटो के ऊपर और वहां पर हमें वो कार्गो प्लेन उड़ता हुआ दिख जाएगा, उसके अंदर हमें जाना है और वहां पर जितने भी बंदे हैं उन्हें मारना है और उस कार्गो प्लेन को हाईजैक करके हमें उसे लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में लेकर आना है। भाई एक और खतरनाक मिशन है, बट क्योंकि मिलिट्री कर्नल ने कहा है कि वो प्लेन किसी भी हालत में लॉस सैंटोस से बाहर नहीं जाना चाहिए और उस कार्गो प्लेन के अंदर अपने बाकी के बचे हुए मिलिट्री के वेपन्स हैं, तो हाँ भाई कुछ करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी जल्दी से मैं इस वाली एपीसी को भगाता हूँ, ट्रावर को फोन करता हूँ और हम लोग निकलते हैं सीधा सैंडी शोर्स के एयरफील्ड के लिए। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं इस मिलिट्री के एपीसी को भगाता हुआ सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ। बस मुझे यहाँ पर से राइट टर्न लेना है और ट्रावर अपना यहीं पर वेट कर रहा होगा। बाकी मैंने उसको कहा था कि भाई जितना जल्दी हो सके प्लेन का इंतजाम करवा देना, तो शायद ओके ड्राइवर यहाँ पर आ चुका और वेट, प्लेन भी रेडी है। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा ड्राइवर ना सच में फास्ट तो बहुत ज्यादा है। लेट्स गो, अभी इस वाले एपीसी को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। और सच में भाई, मिलिट्री के इतनी खतरनाक इस वेस्ट आर्मर आउटफिट को पहन के ना मेरी हालत खराब हो चुकी है, बट कर भी कुछ नहीं सकते। तो चलो गाइस, एक बार मैं यहाँ पे ड्राइवर से बात करता हूँ और ये देखो उसने प्लेन एकदम रेडी कर लिया है। फिलहाल इसको बोल देते हैं कि ठीक है भाई, तो यहाँ से निकल जाना, वैसे भी जो काम मैं करने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा रिस्की है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात यहाँ पर ड्राइवर के साथ में हो चुकी है और ये समझ गया था कि इमरजेंसी में प्लेन चाहिए, तो इसने एक प्लेन का इंतजाम करवा दिया है। लेकिन ये कह रहा है कि माइकल थोड़ा सा ना संभल कर उड़ाना क्योंकि प्लेन काफी पुराना है और तुमने इमरजेंसी में कहा था, तो मैं एक सेकेंड हैंड प्लेन लेकर आया हूँ। भाई इस प्लेन के साथ ये मेरा मिशन लास्ट मिशन ना बन जाए, बट ठीक है, आफ्टर ऑल हमें ये काम ना इमरजेंसी में करना था, तो हाँ भाई जरूरत थी, आ चुका है प्लेन, अभी ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं। लेट्स गो, अभी जल्दी से इस वाले प्लेन को मैं बाहर निकलता हूँ। भाई ये कैसा प्लेन लाया ड्राइवर? ओके, फाइनली पिकअप कर लिया इसने। लेट्स गो गाइस, अभी टाइम आ चुका है इसी प्लेन को लेकर जाने का, और इस प्लेन को लेकर मुझे जाना है पलीटो बे में। पलीटो बे में वो प्लेन मुझे दिख जाएगा जो कि अपना कार्गो प्लेन है और जिसके अंदर अपने मिलिट्री के सारे वेपन्स वगैरह हैं। बस किसी भी हालत में मुझे उस प्लेन को पकड़ना होगा, और एक बार वो प्लेन पकड़ा होगा ना
तो शायद अपना काम बन जाएगा। तो चलो गाइस, अभी जल्दी से इस वाले प्लेन को मैं फुल स्पीड में उड़ाता हूँ, देखता हूँ कि वो जो कार्गो प्लेन है वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। वैसे सामने वाली साइड में ना पलीटो का हाईवे है, तो शायद मुझे राइट साइड में जाना चाहिए। राइट साइड में जाते हुए वो प्लेन मुझे कैसे तो मिल ही जाएगा। तो लेट्स गो, प्लेन उड़ाते हैं, कार्गो प्लेन को ढूंढते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं सैंडी शोर्स के ऊपर उड़ रहा था तब तो मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैं पलीटो के साइड में आया, वो देखो मुझे यहाँ पर अपना कार्गो प्लेन दिख चुका है, जो कि मिलिट्री का कार्गो प्लेन है और इसके अंदर जितना भी सामान है वो भी मिलिट्री का ही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि क्योंकि हम लोग अभी एक दूसरे प्लेन में है, प्रॉब्लम यह है अगर मैं अपने प्लेन को ज्यादा कार्गो प्लेन के पास लेकर गया ना, तो जितने भी टेररिस्ट उसके अंदर हैं उन सभी को मैं रेडार पे दिख जाऊंगा और फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। टाइम आ चुका है अभी जरा कार्गो प्लेन के अंदर घुसने का। वेट, टेररिस्ट जो कार्गो प्लेन के अंदर है वो मेरे प्लेन के रेडियो पे मैसेज दे रहे हैं कि अपने प्लेन को ज्यादा पास लेकर मत आओ। भाई रेडार उनका बंद नहीं हुआ था, बट इस टाइम पे वो लोग धमकी दे रहे हैं मुझे शूट डाउन करने की। देखते हैं बेटा, बस एक बार ये लोग अपना कॉकपिट खोल देना, मेरे पास बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है। आओ बेटा, बस एक बार अपना कॉकपिट खोल दो, काम हो जाएगा। चलो गाइस, फिलहाल मैं तो अपने प्लेन को लेकर ना काफी ज्यादा पास आ चुका हूँ। वेट भाई, सच में कॉकपिट खोल दिया क्या? ओके डन, टाइम आ चुका है जरा टेररिस्ट को बताने का तुम्हारी भैंस की टांग। अब आ जाओ बेटा, देखते हैं कि क्या करोगे। भाई माइकल ने सीधा पूरा प्लेन ही कार्गो प्लेन के कॉकपिट में घुसा दिया है। एंड गाइस, अब टाइम आ चुका है यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं इनको मारने का। तुम्हारी भैंस की टांग, निकलो यहाँ से। भाई साहब, काफी सारे यहाँ पर टेररिस्ट हैं, और ये देखो यार, यही वो बॉक्सेस हैं जिनके अंदर यूएस आर्मी यानी कि अपने मिलिट्री के वेपन्स हैं। भाई कहाँ जाओगे, इतने वेपन्स का करोगे क्या, ये भी समझ में नहीं आ रहा। चलो गाइस, अभी मैंने अपना काफी सारे बंदों को मार दिया है। और वेट भाई, एक सेकेंड, प्लेन ऐसा चल रहा है कि जितनी भी इनकी गाड़ियां हैं वो एक एक करके निकल रही हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। एंड शायद हमने यहाँ पे, वेट भाई, ये भी छुपा हुआ था, बट चलो गाइस, इसको भी मैंने मार दिया है। और अब टाइम आ चुका है इससे पहले कि सारी गाड़ियां हमें टक्कर मारे, ऊपर जो पायलट है उसको जरा मारने का और इस प्लेन को हाईजैक करने का। तो चलो अभी जल्दी से मैं एक बार ऊपर चलता हूँ, ऊपर का सीन एकदम चलूंगा। वेट भाई, ये तो यही बैठा हुआ है। भाई साहब, सही टाइम पे मैंने इसको मार दिया, बट अभी प्लेन का ना कोई पायलट नहीं है। तो चलो गाइस, अभी जल्दी से इस प्लेन का कंट्रोल हम लोग ले लेते हैं। डन, तो फिलहाल मैं अपने इस प्लेन पर बैठ चुका हूँ और अब टाइम आ चुका है मिलिट्री कर्नल को जरा बताने का कि मिलिट्री कर्नल भाई, काम हो गया है, जो कार्गो प्लेन था वो अपने कंट्रोल में आ चुका है। और अभी रुको, ये प्लेन ना लॉस सैंटोस से बाहर जा रहा था, बट सही टाइम पे हम लोगों ने रोक लिया। नीचे देखो, नीचे ना लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट है, तो हाँ भाई दिक्कत हो जाती, बट ठीक है। मिलिट्री कर्नल को ना मैंने फिलहाल यहाँ पे रेडियो से बता दिया है कि जो कार्गो प्लेन था वो मेरे कंट्रोल में आ चुका है और अब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ सीधा लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस के लिए। वेल गाइस, एक दिक्कत हो चुकी है। मैंने यहाँ पर अभी मिलिट्री कर्नल को फोन लगाया था और उसने मुझे ये कहा कि माइकल, तुमने जो चेक पोस्ट क्लियर करी है वो बढ़िया काम करा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जिस कार्गो प्लेन में तुम उड़ रहे हो ना, ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो अगर मिलिट्री के जितने भी हायर मेंबर्स हैं उन्होंने देखा कि नए मिलिट्री कर्नल ने ऐसा काम करा है, वो लोग शायद उसको थोड़ा चिल्लाएंगे और इसलिए कह रहा है कि माइकल, अब तुम वैसे तो नए आयो लेकिन सबूत मिटा रहा होगा। तो फिलहाल मिलिट्री कर्नल ने दो मिलिट्री के एयरक्राफ्ट को भेजा है, वो देखो पीछे से वो लोग आ रहे हैं। और अभी हम लोग ना एक ऐसा सीन बनाने वाले हैं जैसे कि ये जो प्लेन था वो हाईजैक हो चुका था और कोई रास्ता नहीं था, तो हाँ मिलिट्री कर्नल के ऑर्डर पे ये जो प्लेन्स हैं वो अपने इस कार्गो प्लेन में मिसाइल्स मारने वाले हैं। अब यार ये सीन ना काफी बुरा है, बट ठीक है, अब इंडियन कुछ कर भी नहीं सकते, मिलिट्री कर्नल के ऑर्डर्स हैं तो हमें मानने ही पड़ेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी मिलिट्री कर्नल ने कहा है, तो हाँ भाई अब अगर ये लोग मिसाइल मार भी दें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ना इन लोगों ने कहा है कि प्लेन जितना ऊपर उड़ा सकते हो उतना ऊपर उड़ाना, क्योंकि सीन देखने में ऐसे लगना चाहिए कि प्लेन हाईजैक हो गया था और उसके बाद मिलिट्री के ऑर्डर्स के थ्रू इस प्लेन को नीचे गिराया गया। मतलब सच में भाई, इतनी मेहनत करवाई सिर्फ इस प्लेन को नीचे गिराने के लिए, हद है भाई। बट ठीक है, मैं फिलहाल ऊपर आ चुका हूँ। वेट, इन लोगों ने मिसाइल मार भी दी। भाई मैं प्लेन के अंदर हूँ, पागल हो गए हो क्या? भाई मुझे मारने का प्लान तो नहीं है ना? वेट यार, प्लेन बहुत गंदे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मैं सही में इसको कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब यार शायद मुझे कूदना ही पड़ेगा, इसकी टांगे तो नीचे जा रहा है। नहीं भाई, कार्गो प्लेन है, बहुत वेपन्स हैं इसके अंदर, और कोई रास्ता नहीं है, मुझे नीचे कूदना ही पड़ेगा। चलो गाइस, फिलहाल ना नीचे कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये देखो भाई, प्लेन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पर जितने बॉक्सेस हैं सबके सब बाहर जा रहे हैं और प्लेन नीचे जा रहा है, तो कूदना मुश्किल हो जाएगा। डन, मैं फिलहाल बाहर आ चुका हूँ, एंड लेट्स गो। ओके भाई साहब, मैं यहाँ पर प्लेन से नीचे कूद चुका हूँ, लेकिन जो अपना कार्गो प्लेन था जिसे हाईजैक करने में इतनी मेहनत करी थी, अब ये सीधा जाकर नीचे क्रैश होगा। रुको यार, मैं ना पानी की साइड जाता हूँ, वो ज़्यादा सेफ होगा, पैराशूट मेरे पास है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी वो देखो यार, इतनी मेहनत से हम लोगों ने उस कार्गो प्लेन को चुराया था और अब वो क्रैश होगा। वेट, वो भी पानी की साइड ही जा रहा है क्या? मैं इसकी टांग यार। चलो ठीक है, इन दी एंड मिलिट्री कर्नल का ऑर्डर था तो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। और भाई साहब, बहुत ज़्यादा गंदा क्रैश हुआ है,
यार ठीक है, बट आई थिंक गाइस अपना काम बन चुका है। जो पहला ऑर्डर मिलिट्री कर्नल ने मुझे दिया था वो मैंने कर लिया है। जितने भी टेररिस्ट चेक पोस्ट पे थे उनको मैंने खत्म कर दिया, और मिलिट्री कर्नल ने वहाँ पे मिलिट्री वाले बंदों को बुलाकर अपने वेपन्स भी वापस ले लिए होंगे। इस कार्गो प्लेन को अगर हम लोग वापस लेकर जाते तो मिलिट्री कर्नल के ऊपर जो हायर मेंबर्स हैं वो शायद उसके ऊपर चिल्लाते, इसी वजह से हमें सबूत मिटाने थे। तो वो काम भी डन हो चुका है, फिलहाल लैंडिंग भी अपनी परफेक्ट हो चुकी है। क्या बात है भाई, लैंडिंग मिशन सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कर दिया है। चलो गाइस मिशन सक्सेस हो गया वो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि मुझे ना यहाँ पर फिर से एक गाड़ी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पहुंचना है मिलिट्री बेस में, वहां पर जाकर देखते हैं कि मिलिट्री कर्नल क्या बोलेगा। और वेट, सामने से ना यहाँ पर एक हमर आ रही है, चल बेटा जरा बाहर निकल जा। वैसे भी मैं मिलिट्री का बंदा हूँ, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, यहाँ पर ना एक बूढ़े दादाजी थे, भाई यार बुरा लग रहा है इनकी गाड़ी लेकर, बट ठीक है अभी कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे वैसे भी इस गाड़ी को जितना जल्दी हो सके मिलिट्री बेस लेकर पहुंचना है, तो हाँ गाइस फुल स्पीड में हम लोग अपनी गाड़ी को भगाने वाले हैं। चलो गाइस फाइनली मैं इस वाली हमर को लेकर अपने लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका हूँ। सच में भाई आज तो हालत खराब हो गई, मतलब सिर्फ पुराने वाले मिलिट्री कर्नल को उसकी पोजीशन वापस दिलाने के लिए पता नहीं यार और कितने पापड़ वगैरह बेलने पड़ेंगे। बट ठीक है, इस चीज में भी ना थोड़ा सा मजा आया क्योंकि ये कुछ नया था। हर बार आप लोग सिक्योरिटी के वॉर्स वगैरह देखते हो, लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा माइकल का मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद का वॉर। ठीक है, अभी पीछे वाले साइड में तो नए रिक्रूट्स खड़े हैं, मैं काम करता हूँ सीधा इस हमर को लेकर वहीं पर चलता हूँ जहाँ पर हम लोग अपने मिलिट्री कर्नल से मिले थे। ओके, ये बंदा अभी भी यहीं पर है, तो चलो गाइस अभी ये वाली जो गाड़ी है इसको जरा मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। बाकी सच में भाई आज तो हालत खराब हो गई, फिलहाल मैंने ना हेलमेट निकाल दिया है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऊपर से आर्मर इतना ज्यादा भारी है। बट हाँ इन दी एंड ठीक है भाई, जैसे तैसे पिटाई हुई, काफी कुछ हुआ लेकिन पहुंच गए वो अच्छी बात है। ये देखो ये मिलिट्री कर्नल यहीं पर है, ये शायद ना अपनी लोकेशन वगैरह ट्रैक कर रहा था कि हम लोग सेफली पहुंचे या फिर नहीं। वैसे इस बंदे को ना बिग माफिया के भाई ने अपॉइंट करा है, बट बंदा शायद दिल का अच्छा है। तो चलो एक बार से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई पहला मिशन था कर लिया है मैंने। तो गाइस अपना काम डन हो चुका है, मिलिट्री कर्नल को मैंने बता दिया है कि सर आपने जो पहला मिशन मुझे दिया था वही मैंने मरते हुए पिटते हुए लेकिन कैसे भी करके कंप्लीट कर दिया है। जितने टेररिस्ट थे उन्हें गंदे तरीके से मारा है, और जितने भी वेपन के बॉक्सेस वगैरह थे उन्हें भी सही तरीके से सिक्योर कर लिया है। बाकी इस टाइम पर मुझे यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए ये देखो उसने सारे के सारे मिलिट्री गार्ड्स को बोल दिया है क्लैप वगैरह करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि माइकल तुमने आज वो कर दिखाया है जो कि लॉस सैंटोस के मिलिट्री की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं करा है। मतलब एक नया रिक्रूट उसे भी एक हायर रैंक मिशन दिया गया, वो भी इतने ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट के अगेंस्ट में, और तुमने पहली बार में ये मिशन कंप्लीट कर दिया। और ये कह रहे हैं कि माइकल इसके बदले में मैं तुम्हें मिलिट्री का एक हायर रैंक्ड सोल्जर बनाने वाला हूँ जो कि डायरेक्टली मेरे साथ में काम करेगा। भाई साहब जो हम लोगों ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, मिलिट्री का पहला मिशन हम लोगों ने कर लिया है और इसके बदले में माइकल ऑफिशियली एक मिलिट्री का सोल्जर बन चुका है, वो भी एक हायर रैंक्ड ऑफिसर। मतलब हाँ हमें हर किसी वॉर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सीधा मिलिट्री कर्नल के साथ में काम करेंगे। ऑल राइट, सब कुछ एकदम अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ये बंदा बिग माफिया के भाई का साथ दे रहा है, लेकिन यार सच में दिल का तो अच्छा बंदा है। मतलब नया मिलिट्री कर्नल है, थोड़ी बहुत इससे गलतियां हो गई इसी वजह से टेररिस्ट का अटैक भी हो गया, बट बंदा तो अच्छा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर इसको थैंक यू बोल दिया है, और ये कह रहा है कि माइकल तुम कल से ड्यूटी वगैरह पर आ सकते हो, जैसे मुझे भी कहीं पे भी जाना होगा तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हें तुरंत आना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए मैंने भी यहाँ पर इसको थैंक यू कह दिया है, और अभी के लिए तो उसने मुझे कहा कि हाँ तुम जा सकते हो, घर जाओ आराम से रेस्ट वगैरह करो और कल से ड्यूटी पे आ जाना ऑन डिसिप्लिन, सब कुछ एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से माइकल का शुरू होने वाला है। चलो गाइस ठीक है, हालत अपनी काफी खराब हो चुकी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि हम लोग फाइनली मिलिट्री का पार्ट बन चुके हैं, और इसी के साथ में हम लोग अब ये बात लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन को और साथ ही में पुराने वाले मिलिट्री कर्नल को बता सकते हैं कि अपना काम डन हो चुका है। बाकी वेट, यही गलती मैंने पहले भी करी थी, मैं ना दूसरे रास्ते से आ जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ अब हम लोग अपने एक स्टेप और क्लोजर आ चुके हैं, अब बस जैसे तैसे करके हमें एक सही मौका ढूंढना है जब मैं और ये नया वाला मिलिट्री कर्नल अकेला होगा, उस टाइम पे मुझे इसको मार देना है और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। और दिक्कत की बात ये है कि यही पे ना इनका रेडार का टावर है, तो अगर मैंने यहाँ पर से पुलिस कैप्टन या फिर ओल्ड मिलिट्री कर्नल को फोन करा इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातें इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी फुल स्पीड में मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ, लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन और ओल्ड मिलिट्री कर्नल को बताता हूँ कि देखो भाई सारा सीन एकदम सेट है, और फिर उनसे किसी जगह पर मिलकर आराम से बातचीत करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपनी बाइक को लेकर फाइनली उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन ने बुलाया था। बाकी यहीं पर से मुझे राइट टर्न लेना है, और वेट ये वही जगह है ना जहाँ पर बहुत टाइम पहले बिग माफिया के भाई के सबमरीन को हम लोग लेकर आए थे और सारा का सारा गोल्ड यहाँ पर से निकाला था। सच में भाई काफी नॉस्टैल्जिक जगह पर बुलाया है। बाकी लेट्स गो, भी जल्दी से हम लोग अपनी बाइक को लेकर चलते हैं सीधा नीचे वाली साइड में और जाकर देखते हैं कि पुलिस कैप्टन कहाँ पर है। वेट,
उसकी मुझे ना पुलिस की गाड़ी तो साइड में दिख चुकी है, तो शायद पुलिस कैप्टन पहाड़ के ऊपर है। भाई साहब काफी वियर्ड जगह पर आया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दी एंड हमें एक ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पर हम लोग आराम से बात कर पाए और आसपास में ना कोई हमें देख पाए और ना ही हमें कोई ट्रैक कर पाए। बाकी सच में भाई माइकल ने इस यूनिफॉर्म में काफी तगड़ा लग रहा है। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत ड्रेसिंग फिर से करवानी पड़ेगी, टेररिस्ट से लड़ते टाइम भी हालत खराब हो गई थी। बाकी चलो अभी मैं इस माउंटेन के ऊपर आ चुका हूँ और पुलिस कैप्टन वेट भाई ये देखो यहाँ पर ना ये आराम से खड़ा होकर पानी वगैरह को देख रहा है। तो चलो गाइस एक बार मैं इससे बात करता हूँ और अब पूछता हूँ कि भाई आगे का क्या प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी मिलिट्री के अंदर तो हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके तो गाइस अभी मेरी बात लॉस सैंटोस के पुलिस कैप्टन के साथ में हो चुकी है और ये कह रहा है कि माइकल सबसे बड़ा काम तो तुमने खुद ही कर लिया है और वो था लॉस सैंटोस के मिलिट्री को ज्वाइन करना, वो भी नए वाले मिलिट्री कर्नल के अंडर में। अब बस कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें अपना कोर्ट केस खत्म करना पड़ेगा। ये इस टाइम पे कह रहा है कि माइकल मुझे पता है कि तुमने लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में फिर से एक बार कोर्ट केस करने की धमकी वगैरह दी है, नोटिस इसने पढ़ा था। और ये कह रहा है कि माइकल देखो अब तो तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट गाड़ियां चोरी नहीं कर रहा था बल्कि बिग माफिया के भाई के जो गैंग के बंदे हैं वो लोग गाड़ियां चोरी कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि कोर्ट केस को जल्दी से खत्म करने का बस एक ही रास्ता है, तो कोर्ट में जाकर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमें कोर्ट में जाना है और वहां पर जाकर इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जितने भी हम लोगों ने इसके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाए हैं वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। ऊपर से ये भी मान लेगा कि हाँ भाई थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और उसके बाद अपने जितने भी शोरूम कस्टमर्स की गाड़ियां हैं सब की सब माइकल को वापस मिल जाएंगी। तो हाँ इजीली केस खत्म भी हो जाएगा और बिग माफिया के भाई को भी यही लगेगा कि हाँ पुलिस कैप्टन और माइकल का केस अभी भी चल रहा है। बाकी उसके बाद शुरू होगा असली गेम, क्योंकि कल से नए मिलिट्री कर्नल को यही लग रहा है कि माइकल आएगा जॉब पर उसके साथ में ड्यूटी करेगा, बट कल ही के कल मैं कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढूंगा जिसमें मैं और मिलिट्री कर्नल बिल्कुल अकेले हों और उसी टाइम पे हम लोग मार देंगे नए वाले मिलिट्री कर्नल को और फिर अपने पुराने वाले मिलिट्री कर्नल को वापस लेकर आ जाएंगे। अब इस चीज को करने में भी ना बहुत ज्यादा खतरा है और हमें एक परफेक्ट चांस का वेट करना होगा जब नया मिलिट्री कर्नल मुझे अपने साथ किसी मिशन पर ले जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग ये काम कर पाएंगे। लेकिन ये काम एग्जैक्टली कैसे होगा उसके बारे में तो गाइस आप सबको पता चलेगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वाला एपिसोड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। तो चलो गाइस इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस वाले वीडियो को भी बहुत जल्दी लेकर आ गया था और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो जाओ यार 12,000 लाइक्स का टारगेट है उसे जाकर तोड़ दो। एंड जैसे कि मैंने कहा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर देना क्योंकि मैं अपने सारे के सारे वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं। तब तक के लिए आप लोग जाकर 12,000 का लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओ और मैं मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। सी या पीस आउट।